जिन्होंने ये देश मेरे साथ मंच पर बैठे हुए माननीय श्री बघेल जी, माननीय श्री पारितोषी, उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ जो उनका सहयोग इस व्यवस्था में पूरा मिला। भारत स्वाभिमान नाम का एक अभियान पिछले एक वर्ष से भारत में शुरू हुआ, परंतु जिन्हें स्वामी रामदेव जी ने यह अभियान शुरू किया 5 जनवरी 2009 को इस अभियान की स्थापना हुई। अब ये अभियान शुरू तो हुआ था हरिद्वार से, भारत के अब ये 680 जिलों में फैल गया। इस अभियान को चलाने में सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो 2,40,000 योग शिक्षकों की जो रात दिन काम में लगे हुए गांव-गांव इस अभियान को फैला है। और हमारी ऐसी कोशिश है कि अगले 2 साल में 11,00,000 योग शिक्षक और इस अभियान में जुड़ जाए। मैंने 2 वर्ष के बाद हमारे पास लगभग 13,40,000 योग शिक्षक होंगे। अगले 2 वर्ष में आप पूछेंगे इतने योग शिक्षक कैसे होने वाले हैं, परंतु ये स्वामी रामदेव जी अब तक क्या करते थे हरिद्वार में शिविर लगाए। पिछले 1 वर्ष में हरिद्वार में 33 शिविर आयोजित हुए, 2 शिविर उत्तर प्रदेश में, ऐसे ही राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा सभी राज्यों के कुल मिलाकर 2,40,000 योग शिक्षण तैयार। अब आगे मई के महीने से परम पूजनीय स्वामी जी एक एक जिले में शिविर करते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में आने वाले मध्य प्रदेश के कई जिलों में परम पूजनीय स्वामी जी के 3-3 दिन के शिविर आयोजित हो रहे हैं और ये शिविर अगले 2 सालों तक चलेंगे। इन शिविरों में करीब 11,00,000 युग शिक्षक तैयार करने की योजना, तो अगले 2 साल में लगभग 13,40,000 या 13,50,000 युग शिक्षक हो जाएंगे। करना क्या है, हर गांव में कोई योग शिक्षक हमारे हों, ऐसी हमारी तैयारी। भारत में लगभग 6,38,365 गांव हैं। एक गांव में अगर 2 योग शिक्षक हमारे हो जाए तो लगभग 13,40,000 योग शिक्षकों का उपयोग हर गांव में करना है। क्या करना है उन योग शिक्षकों की मदद से, भारत के नागरिकों को स्वस्थ बनाना, निरोगी बनाओ, सुखी बनाओ, ये पहला उद्देश्य है। और भारत देश को सुखी बनाना, निरोगी बनाना, स्वस्थ बनाना ये दूसरा उद्देश्य है। हमारा देश सुखी हो, और सुखी होने की जो परिभाषा है सबसे पहले निरोगी होना सुखी होने का पहला चरण है। हमारे यहाँ ये माना जाता है दैविक दुख माने शरीर का दुख, फिर दैविक दुख माने भगवान का दिया हुआ दुख, और फिर भौतिक दुख, ये तीनों दुख दूर हो तो कोई भी व्यक्ति सुखी होगा। हमारे देश में एक महान कवि हुए माने राम राज्य एक ऐसा राज्य था जिसमें किसी को शरीर का दुख नहीं था, दैहिक दुख नहीं था, माने बीमारियां नहीं, किसी को भूस्खलन नहीं होता था, अतिवृष्टि नहीं होती थी, अनावृष्टि नहीं होती थी, ऐसा राम राज्य था। और भौतिक दुख भी किसी को नहीं था, भौतिक दुख माने गरीबी नहीं थी, बेरोजगारी नहीं थी, भूखमरी नहीं थी, तो राम राज्य में सभी सुखी थे। तो सुखी होने का माने 3 तरह के दुख ना हो हमें। तो हम चाहते हैं भारत के सभी नागरिक सुखी बने, क्योंकि भारत में एक बड़ी महान परंपरा है हजारों सालों की बनाना, ये पहला उद्देश्य है भारत स्वाभिमान। दूसरा उद्देश्य है
भारत देश को सुखी बनाना। अब नागरिक सुखी हो फिर देश सुखी, ये दो उद्देश्य। नागरिकों को सुखी बनाने की जरूरत इसलिए है कि भारत के नागरिक इस समय बहुत दुखी है, और अगर कहा जाए तो सबसे ज्यादा दुखी नागरिक दुनिया में भारत। उसके कई कारण, उसमें सबसे बड़ा कारण है अपने देश के लोगों को बीमारियां पसंद हो गई, और इतनी बीमारियां हो गई है कि उनका इलाज सरकार के बस में नहीं है। अपने भारत देश की जो सरकार है ना, इस सरकार का एक मंत्रालय, उसका नाम है परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य मंत्रालय, केंद्र सरकार। केंद्र सरकार का ये जो मंत्रालय है परिवार कल्याण और स्वास्थ्य मंत्रालय, इनका ये कहना है कि भारत में 120 करोड़ की जनसंख्या है, 120 करोड़ हो गई जनसंख्या, इसमें 77 करोड़ लोग भयंकर बीमार, 120 करोड़ में 77 करोड़ लोग बहुत गंभीर बीमारियों के शिकार। अगर आप प्रतिशत पे निकालेंगे तो भारत की जनसंख्या का 75% भयंकर बीमारियों का शिकार। क्या क्या बीमारियां हैं? परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय की जानकारी के अनुसार 5,70,00,000 लोगों को डायबिटीज नाम का रोग है, शुगर का रोग है, मधुमेह जिसको आप हिंदी में कहते हैं, 5,70,00,000 लोगों को हो चुका। और सरकार कहती है कि अगर 2-3 साल ऐसे ही चला तो 3 करोड़ लोग और इसमें आने वाले हैं मधुमेह, माने 8,70,00,000 लोगों को ये रोग होगा 3 साल के बाद, बहुत तेजी से फैल रहा है। तकलीफ की बात क्या है? रोग होना तकलीफ की बात नहीं, रोग का इलाज नहीं, ये तकलीफ की बात है। ये जो डायबिटीज है ना, इसका इलाज नहीं है। तो आप बोलेंगे तो डॉक्टर क्या करते हैं? डॉक्टर जो डायबिटीज का इलाज करने की दवा देते हैं इंसुलिन, उससे समस्या और बढ़ जाती है, कम नहीं होती। क्या होता है, जो लोग डायबिटीज के मरीज हो जाते हैं ना, इंसुलिन लेना शुरू कर देते हैं, उनकी दोनों किडनियां खराब हो जाती है, क्योंकि इंसुलिन किडनी को खराब करता है। डायबिटीज के मरीज अगर रोज इंसुलिन लेना तो कभी भी उनको हार्ट अटैक आ सकता है, हृदय, क्योंकि उनका खून जो है ना वो बहुत गाढ़ा हो गया है। डायबिटीज के किसी भी मरीज को कभी भी ब्रेन हेमरेज हो सकता है, दिमाग की नसें फट सकती है। डायबिटीज के किसी भी मरीज को आंखों की रोशनी चली जाती है, अंधापन आ जाता है। डायबिटीज के किसी मरीज को थोड़ी सी भी चोट लग जाए तो वो चोट भरती नहीं है, आओ बड़ा 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 होता जाता है, और फिर कई बार वो अंग काटना पड़ता है, जिसको कैंक्री। डायबिटीज जिसको हो जाती है, शरीर उसका बिल्कुल बेकार हो जाता है, नपुंसकता आ जाती है, निर्वीर्यता आ जाती है, कमजोरी को होता है, ये बहुत खराब हो जाता है, पर इसका इलाज नहीं। ये जो इंसुलिन देते हैं ना, ये इंसुलिन शुगर को दबाता है, ठीक नहीं करता। एक होता है बीमारी को दबाना और एक होता है बीमारी को ठीक करना, भगाना। दबाने की कहानी ऐसे है कि ये सारा जो गंदगी है ना, इसको इकट्ठा करके आपकी चटाई के नीचे दबाते हैं, लेकिन गंदगी ठीक नहीं हुई, चटाई के नीचे दबी हुई है। जैसे ही चटाई को हटाएंगे समझ में आया, इंसुलिन जब तक दे रहे हैं तब तक शुगर दबी हुई है, इंसुलिन जैसे ही बंद करेंगे शुगर फैल उम्र जा रहा है। डायबिटीज के रोग में डॉक्टर कहते हैं कि ये साइलेंट किलर है, साइलेंट किलर का मतलब होता है चुपचाप मार देगा, पता ही नहीं, और इसका इलाज
दूसरी बात, ऐसे ही बहुत गंभीर रोग है हमारे देश में जिसको हम कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर, हाइपर टेंशन। ये 20 करोड़ लोगों को है हाई बीपी, और इसका भी इलाज है। इसमें क्या है, गोली खाते रहो तो बीपी दबा रहेगा, गोली बंद कर दो फिर हो जाएगा। ऐसे ही भारत में 12 करोड़ लोगों को आंखों का एक ऐसा रोग है जिसका कोई इलाज दुनिया में नहीं, उसका नाम है ग्लूकोमा, काला पानी कहते हैं इसे। कोई कोई लोग काला मोतिया भी कहते हैं इसे, कोई इलाज नहीं। ऐसे ही आंखों का एक गंभीर रोग है रेटिनल डिटैचमेंट, कोई इलाज नहीं पूरी दुनिया। आप अमेरिका भी चले जाओ तो रेटिनल डिटैचमेंट आंखों में और ये गंभीर रोग हो गया, ये छोटे बच्चों को चश्मा चढ़ गया, अभी इनकी उम्र नहीं है उनको चश्मा चढ़ गया। पहले ऐसा माना जाता था 40 साल के बाद चश्मा आता है, लेकिन ये बेटी तो मुश्किल से 10 साल की है इसमें चश्मा। कई बच्चे बचपन से चश्मा लेके पैदा होते, और ये जो चश्मे का नंबर है ये बड़ा बड़ा और बड़ा होता है, कम नहीं होता। चश्मा मोटा मोटा और मोटा होता है, कम नहीं होता। भारत में करीब 14 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको फेफड़ों का रोग है, दमा, अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा, चिम्बल प्रोसेस के हैं, दमा दम निकलने की, ये भी ठीक नहीं। ऐसे ही भारत में संधिवात, अंग्रेजी में हम बाउट कहते हैं, और दूसरा उसका एक और नाम है अर्थराइटिस। 17 करोड़ लोगों ठीक इसके होने की भी संभावना नहीं है, क्योंकि गठिया के रोग में दर्द बहुत होता है। दर्द को दबाने के लिए गोली खिलाते हैं, दर्द मिटाने की कोई गोली अभी तक दुनिया में बनी नहीं। दर्द को दबाने की गोलियां हैं, मिटाने की एक भी गोली गठिया का भी इलाज है। इसी तरह से और एक गंभीर रोग है कैंसर, 8 करोड़ लोगों को कैंसर है इस देश, और हर साल 24 लाख उसमें मर जाते हैं, इसका भी इलाज। तो जो लाइलाज रोग है जिनका इलाज ही नहीं है, ऐसे रोग हमारे देश में 77 करोड़ नागरिकों को हो गए हैं। और जो छोटे मोटे रोग हैं, सर्दी खांसी जुकाम बुखार, इसकी तो मैंने गिनती नहीं की अभी, कमर का दर्द, पैरों का दर्द, इसकी तो गिनती ही नहीं की है, सिर का दर्द, इसको मैंने अभी गिना नहीं है। जो गंभीर रोग हैं जिनका इलाज ही नहीं होता, वो 77 करोड़। अब एक तरफ तो रोग बहुत गंभीर है, दूसरी तरफ हमारी सरकार के पास इन रोगों का इलाज करने के लिए फरवरी 26 तारीख को बजट आया। मैंने भी सुना, आपने भी सुना, उस बजट में हमारे वित्त मंत्री ने कहा कि सारे देश के लोगों की चिकित्सा के लिए 22,300 करोड़ रुपए हम खर्च करेंगे। बहुत अच्छी बात है, मैंने सुना, अच्छा लगा मुझे कि 22,300 करोड़ रुपए खर्च होंगे भारत के लोगों की चिकित्सा। लेकिन अगला ही वाक्य जो बोला वित्त मंत्री ने, मेरा दिल बैठ गया। उन्होंने कहा कि ये 22,300 करोड़ का जो खर्च होगा, इसमें से 85% खर्चा तो चिकित्सक जो डॉक्टर्स हैं उनकी तनख्वाह देने में ही चला गया। हमारे सरकार के जो अस्पताल चलते हैं ना, सरकारी अस्पताल, इनमें डॉक्टर काम करते हैं, नर्सेस काम करती हैं, वार्ड बॉय काम करते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ होता है, तो ये जो भी कुछ मेडिकल स्टाफ है इसको तनख्वाह देने में ही 85% चला गया। तो मैंने हिसाब निकाला तुरंत, तो पता चला 22,300 करोड़ में से 20,000 करोड़ तो
का लिखा दे गया। अब बच गया 2300 करोड़, ये खर्च होगा हमारे लिए। तो मैंने हिसाब निकाला, हर आदमी के लिए एक साल में चिकित्सा का खर्च 20 रुपए आएगा, 20 रुपए। एक आदमी साल भर में सरकार से 20 रुपए पाएगा। अब 20 रुपए में क्या ठीक कर लेगा वो? खाने का पानी भी आएगा भाई? नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। पानी भी 15 रुपए का लीटर। मतलब सीधा सा ये है कि सरकार आपके ऊपर 20 रुपए साल का खर्च करेगी, इसमें सर्दी जुकाम भी ठीक नहीं होगा। समझ में आया? मेरी सरकार के पास पैसे ही नहीं। तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि आपको अपने पैसे खर्च करने पड़ेंगे चिकित्सा के। ये तो होगा, सरकार के पास में पैसे हैं, वो तो जितने पैसे हैं वो तनख्वाह देने में डॉक्टर्स को उन्हीं पे खर्च करने वाली है। जो बचेंगे 20 रुपए हर आदमी के हिसाब से, उसमें भ्रष्टाचार होगा। आपको मालूम है? हाँ, ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार होगा। और भारत के प्रधानमंत्री थे श्री राजीव गांधी, वो कहते थे कि भ्रष्टाचार का 1 रुपया 85 पैसा रुकता है, 15 पैसा ही पहुंचता। तो 20 रुपए में से 17-18 रुपए तो लुट जाएंगे भ्रष्टाचार में। आदमी के पास 2 रुपए पहुंचे, अब क्या करे 2 रुपए में खरा कुछ नहीं हो सकता। इसलिए परिणाम जो होता है वो ये कि हर व्यक्ति को इलाज कराने के लिए अपनी जेब से खर्च करना होगा। और ये जो अपनी जेब का खर्चा है, इसी को सरकार कहती है प्राइवेट एक्सपेंडिचर, निजी खर्च। तो एक साल में ये जो खर्च होता है ना हमारी जेब से, ये 7 लाख करोड़ रुपए चिकित्सा में जो हम खर्च करते हैं। डॉक्टर को फीस देते हैं, ऑपरेशन का खर्चा उठाते हैं, हॉस्पिटल का पैसा भरते हैं, दवाओं का खर्च उठाते हैं। 4 स्तर पर हम खर्चा करते हैं हर साल 7 लाख करोड़। और ये कैसे होता है, 2-3 उदाहरण से समझ में आता है। भारत में हर साल 4.5 करोड़ लोगों को हार्ट अटैक आता है, हर साल 4.5 करोड़ लोगों को हार्ट अटैक आता है। अब हार्ट अटैक का इलाज एक ही है, एंजियोप्लास्टी का ऑपरेशन। एक एंजियोप्लास्टी करे तो 1.5 लाख रुपए खर्च होगा। तो हिसाब को 4.5 करोड़ में 1.5 लाख का गुणा करो, ऐसे खर्च होगा। और दुर्भाग्य पता है क्या, आपने 1.5 लाख रुपए लेके जो ऑपरेशन कराया एंजियोप्लास्टी, उसमें क्या होता है, एक छोटी सी स्प्रिंग होती है, वो आपके हृदय में डाली जाती है। हृदय को रक्त देने वाली कुछ नलियां हैं और रक्त लेने वाली कुछ नलियां। हृदय का नाम क्या है? हृदय शब्द जो है ना संस्कृत का शब्द है, री, री माने लेना, दय, दय माने देना, लेना देना, लेना देना, लेना देना करे वो हृदय। लेना देना किसका? खून, रक्त। हृदय खून को लेता है और साफ करके वापस शरीर को देता है। तो खून लेने के लिए एक नली होती है, देने के लिए दूसरी होती है। तो खून लेने और देने वाली नली में एक स्प्रिंग नाम की स्प्रिंग डाली जाती है, स्प्रिंग। बॉल पेन में देखा एक स्प्रिंग होती है, वो स्प्रिंग डालते हैं, वो स्प्रिंग 10 रुपए में बनती है। तो जब ऑपरेशन के बाद वो डाली जाती है तो 1.5 लाख रुपए डॉक्टर ले। ऐसी लूट मची है। और ये जो स्प्रिंग है, ये जब डल जाती है, ये इतनी सी स्प्रिंग होती है, यहाँ पर डालते हैं तो उतने स्तर पर तो नली ठीक हो गई, लेकिन स्प्रिंग के आगे और पीछे फिर ब्लॉकेज आ जाता है, तो 6-8 महीने में वो बेकार। 6-8 महीने के बाद फिर हार्ट अटैक आता है, दोबारा फिर एक और स्प्रिंग डाल देता है डॉक्टर, फिर 1.5 लाख ले लेता है, और वो 6-8 महीने में फिर बेकार। फिर तीसरा हार्ट अटैक आएगा,
तो डॉक्टर कहेगा बाईपास करके भी कराना है, उसमें 2.5 लाख रुपए का खर्चा, और बाईपास करके ही 2-2.5 साल से ज्यादा नहीं चलती, वो बेकार है। बाईपास करके ही पता क्या करेगा, इस नदी के पैरेलल एक दूसरी नदी को उठाएगा, उसमें से खून जाएगा, बिल्कुल वो नदी 1-2 साल में बंद हो जाएगी, फिर बेकार हो जाता है। फिर कहेगा ओपन हार्ट सर्जरी करा लो, और ओपन हार्ट सर्जरी में आपकी जयराम जी के हिस्से, हाँ पैसे भी गए मरीज भी गए। ये समस्या बड़ी है कि इलाज के लिए हम खर्चा भी करें और इलाज नहीं हो। ऐसे ही हम डायबिटीज के लिए खर्च करते हैं, डायबिटीज ठीक नहीं होते, ब्लड प्रेशर के लिए खर्च करते हैं वो ठीक नहीं होता, तो पैसे खर्च करते हैं उसका तो दुख है ही, इलाज नहीं होता वो और तकलीफ के। क्यों नहीं होता आप पूछो, क्यों नहीं होता, क्योंकि ये जो इलाज करने की पद्धति है यही गलत है। आप बोलोगे क्या गलती है इसमें, गलती सीधी सी समझाता हूँ आपको सरल भाषा में, कि जब स्प्रिंग आप डालते हो किसी भी नदी में, भैया थोड़ी देर बाद गिलास ले जाना अभी मुझे पीना है, ये जो स्प्रिंग डालते हैं ना ये पद्धति गलत है इलाज। क्यों गलत है मैं समझाता हूँ आपको, स्प्रिंग डाली जाती है खून को, खून लेने वाली जो नली है ना इसमें रुकावट, रुकावट माने कचरा फैला हो, तो अब उस कचरे की सफाई नहीं करते डॉक्टर, समझ में आया, उस कचरे की सफाई नहीं करते, कचरे के बीच में स्प्रिंग डाल देते हैं ताकि वो चौड़ी हो जाए ताकि खून फैल जाए। अब आप मुझे थोड़ी अकल लगा के बताओ, कचरे की सफाई करना अच्छा है या कचरे को रहने देते हुए वहां पे स्प्रिंग डालना? देखो ये बच्चों को भी समझता है, डॉक्टर को भी समझता है। आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, आपके घर में रसोई घर है, रसोई घर में बर्तन धोने का एक सिंक होता है, उसमें कचरा फंस जाता है तो पानी भर जाता है, तो क्या करते हैं उसको तोड़ देते हैं सिंक को, क्या करते हैं साफ करते हैं, कैसे साफ करते हैं, एक डंडा लेते हैं उसमें कपड़ा बांधते हैं और उसकी नली में डाल देते हैं, कचरा निकल जाता, ऐसे ही करते हैं ना, ऐसे ही हृदय का काम है, कचरा साफ करना चाहिए। डॉक्टर भी समझता है ये बात, जो मुझे समझती है वो डॉक्टर को मालूम है कि कचरे की सफाई कर दो ताकि इसको बार बार ये चक्कर ही ना हो, लेकिन डॉक्टर इतना हरामी है तो कचरा साफ नहीं क्योंकि आपका अगर कचरा साफ हो गया तो उसकी तो दुकान बंद हो जाएगी, वो नहीं करेगा, वो क्या करेगा, स्प्रिंग पर स्प्रिंग बिठाएगा, कहेगा एक एंजियोप्लास्टी करो, दूसरी करो, तीसरी करो, बाईपास सर्जरी करो, ओपन हार्ट सर्जरी करो, अरे मूर्ख आदमी कचरे की सफाई कर दे, तो आप बोलोगे जी कचरे की सफाई कैसे होती है, कचरे की सफाई करने का सबसे सरल उपाय बता, हमारे भगवान ने सब चीजें बनाई है दुनिया, बस उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, भगवान ने खून के कचरे की सफाई करने के लिए दो चीजें बनाई अद्भुत है, एक का नाम है नींबू, नींबू जानते हो ये खून के कचरे की सफाई करता है, और दूसरे का नाम है लौकी, लौकी देखिए लंबी वाली, मैं कोई रस पीला का भी थोड़ी देर पहले, लौकी जो है ना इसमें कुछ ऐसे केमिकल हैं जो खून के कचरे को जड़ से साफ करते हैं, और नींबू में कुछ ऐसे केमिकल हैं जो खून के कचरे को जड़ से साफ करते हैं, तो जिसको भी खून में कचरा भर गया माने ब्लॉकेज आ गया तो उससे ये कहो ऑपरेशन मत कराओ, क्योंकि उसमें तो इलाज ही नहीं होने वाला, उसमें तो डॉक्टर अपनी जेब भरेगा, तुम्हारी जेब काटेगा,
क्या करो, खून का कचरा साफ कर लो, जैसे नाली में से कचरा साफ करते हैं वैसे तो कचरा साफ करने के लिए क्या करो, लौकी खाओ नींबू के साथ, नींबू कचरा साफ करेगा लौकी की तरह, तो लौकी नींबू के साथ जो खाएगा उसी का कचरा साफ हो जाएगा। तो हार्ट अटैक का इलाज ये है। और साथ क्या करो, बचेगा नहीं। अब ये बात अगर सबको बताएं गांव गांव जाकर तो लोगों का भला होगा कि लोगों को मालूम नहीं, लोगों को क्या नहीं मालूम, लौकी से खून का कचरा साफ होता है ये डॉक्टर को मालूम, क्योंकि डॉक्टर भी ये पढ़ाया था। नींबू के रस से खून का कचरा साफ होता है ये डॉक्टर जानता था, लेकिन बेईमान इतना है कि बताता बताएगा तो भारत स्वाभिमान के एक एक गांव में दो दो योग शिक्षक बनाने का हमारा लक्ष्य ये है कि हर गांव के हर आदमी को हम ये बता सके कि हृदय में ऑपरेशन मत कराओ, कचरे की सफाई करो, और कचरे की सफाई के लिए लौकी का रस नींबू डाल के पियो, बस ये दीजिए बात। लौकी का रस निकालो, छिलका मत उतारो, क्योंकि छिलके में ही सारी ताकत है, छिलका उतारा तो गड़बड़ हो गया, छिलका मत उतारो। और रस निकालते समय जो लौकी का कचरा निकलता है वो खा लो, ये कचरा ही कचरे को साफ करता है, लौकी का कचरा खून के कचरे को साफ करता है। और लौकी में नींबू डाल दिया तो और जल्दी साफ करता है। तो मैंने अभी एक गिलास से लौकी का रस पिया आपके सामने, इतना रस कोई भी आदमी रोज पीले तो 3 महीने में उसका खून बिल्कुल साफ हो, 3 महीने। और उसको जितना ब्लॉकेज है ना 99% वो 3 महीने में निकल जाएगा। मैंने हजारों मरीजों का ऐसे किया, मैं चिकित्सा भी करता हजारों नहीं लाखों का किया है, और वो सब बिना खर्चे थी। अब ये बात गांव गांव से कौन पहुंचा, टीवी चैनल वालों को हम कहते हैं कि ये बात दिखाओ, तो कहते हैं इसका विज्ञापन करो पैसे दो, वो भी इतने हरामी है बिना पैसे कोई बात ही नहीं बता। अब मैं अगर ये बात टीवी पे कहता हूँ तो पैसे दो, किस बात के पैसे दो, लोगों को ये बताने की कि लौकी का रस पियो नींबू डाल के अब इसके पैसे दो, तब वो दिखाएंगे, अब पैसे नहीं है तो क्या करें। तो हमने ये तय किया कि 13,40,000 योग शिक्षकों को ये बात खूब अच्छे से सिखा के गांव गांव भेज दो, तो सबको बता दीजिए फोकट में निःशुल्क, और सब लोगों का हृदय काट ठीक हो जाएगा, 7,00,000 करोड़ रुपए बच जाएगा, डॉक्टर की दुकानों में ताला लग जाएगा, बहुत अच्छा होगा, बंद हो जाएंगे सब, लूट मचा देंगे। आपको नहीं लगता कितना सरल इलाज है भारत में, ऐसे सब बीमारियों के इलाज, हर बीमारी का इलाज ऐसा ही। आप किसी बीमारी का नाम लो, इलाज इतना ही आसान, लो नाम लो, आंखों से कम दिखता है, अब ये बीमारी आंखों से कम दिखता है, चश्मा चल गया है, इस बीमारी का बहुत आसान है। आंखों से कम दिखना तब शुरू होता है जब शरीर में विटामिन ए की कमी आती है। अब विटामिन ए की कमी है शरीर में तो 100% चश्मा लगेगा, तो क्या करना, विटामिन ए की कमी पूरी कर दो। अब विटामिन ए की कमी पूरी करने के लिए भगवान ने हमें क्या क्या दिया है, सबसे बढ़िया है दूध, खूब भरपेट दूध पियो सवेरे शाम। और दूसरी चीज विटामिन ए जो है ना कब कम होता है, जब शरीर में कैल्शियम और विटामिन सी कम हो जाता है, विटामिन सी कम होगा तो विटामिन ए कम होना ही है, कैल्शियम कम होगा तो भी विटामिन ए कम होना है। तो कैल्शियम और विटामिन सी खाओ, मतलब 2 आंवले रोज खाओ, आंवले में भरपूर तो कैल्शियम है,
और भरपूर विटामिन सी है। तो जो व्यक्ति रोज दो आंवले खाएगा और दूध पिएगा उसकी आंखों का चश्मा उतर जाए। कितना अच्छा है, आंखों में सबसे खराब रोग है जिसका नाम है रेटिनल डिटैचमेंट। ये तो अमेरिका में भी ठीक नहीं होता, लेकिन इस रोग का अपने भारत में बहुत बढ़िया इलाज है। मैंने रेटिनल डिटैचमेंट के हजारों मरीज ठीक किए हैं। इतनी अच्छी दवा है, उसका नाम है गाय का मूत्र। ये जो गोमूत्र है ना, ये आंख में डाल एक एक बूंद। जिनको भी रेटिनल डिटैचमेंट हो गया, 3 से 4 महीने में रोग बिल्कुल ठीक हो जाता है। छान के बिना छाने दो, गाय के शरीर से मूत्र जो है ना छन के ही आता है। भगवान ने गाय के शरीर में 2 किडनी दे रखी है, जैसे आपको है वैसे गाय को। आपका मूत्र छन के आता है, गाय का भी छन के आता है, तो वो छनने की चिंता मत करो, डालने की बात सुनो। और गाय की बछड़ी का डालो तो जल्दी ठीक हो जाता है। और मैंने तो ये परीक्षण किया कि रेटिनल डिटैचमेंट, ग्लूकोमा जिसको काला मोतिया कहते हैं, वो भी गोमूत्र डालने से ठीक हो गया। आंखों की रोशनी भी बढ़ जाती है। तो 2 आंवले खाओ, गाय का दूध पियो, घी डालिए, क्योंकि घी में बहुत विटामिन है। तो गाय का दूध, गाय का घी रोज पियो, 2 आंवले खाओ और एक एक बूंद गाय का मूत्र आंखों में डाल दो, तो आंखों के सब सब रोग ठीक हो। कोई भी लग सकता। अब सोचो कितना सरल इलाज है। लेकिन महत्व की बात क्या है कि गाय तो सबके पास है, मूत्र भी सबके पास है, पता नहीं है हमें कि गोमूत्र आंखों में डालो तो ये हो जाए। अब ये पता डॉक्टर को है, लेकिन हरामी नंबर एक में बताया नहीं है। समस्या क्या है ना, वो बताए तो बंद हो जाए। तो हमने ये संकल्प किया कि ये बात अपने योग शिक्षकों को हम सिखा के हर गांव में भेज दें, तो आंखों का रोग ठीक हो जाए। ठीक है। अब तीसरे रोग का नाम लो, ब्लड प्रेशर, हाई बीपी। ये ब्लड प्रेशर तो इसी से ठीक हो जाता है, लौकी के रस से। खून का कचरा जो है ना, वो क्या है, खून का कचरा माने कोलेस्ट्रॉल, खून का कचरा माने ट्राइग्लिसराइड्स। मैंने हिंदी में उसको कचरा कहा, विज्ञान उसको कोलेस्ट्रॉल कहता है। तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया, माने खून में कचरा पैदा हो गया। तो खून के कचरे की सफाई माने कोलेस्ट्रॉल कम करना, ट्राइग्लिसराइड कम करना। वो लौकी के रस से और नींबू के रस से हो जाता है। तो जो भी लौकी का रस पिएगा, ब्लड प्रेशर तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और बोलो, टेंशन, मानसिक तनाव, ये रोग है ना, इसकी बहुत अच्छी दवा भगवान ने दे रखी है आपको। ऐसी बीमारी नहीं जिसकी दवा ये जानो। मेंटल टेंशन की सबसे बढ़िया दवा है प्राणायाम। और प्राणायाम में भी एक प्राणायाम जिसका नाम है अनुलोम विलोम। प्राणायाम तो 7 है, एक तो भस्त्रिका, एक तो कपालभाति, उसके बाद जो हम करते हैं ना अनुलोम विलोम, ये टेंशन की सबसे बढ़िया बीमारी का। और जल्दी ठीक करना है तो अनुलोम विलोम करो, और रात को सोते समय गाय का घी नाक में डालो। गाय है ना, उसका घी गर्म कर दो, एक एक बूंद नाक में डाल के सो। और जब दालों में ना तो हल्का गर्म रहे तभी अंदर जाएगा, नहीं तो ठंडा भी अंदर नहीं जाएगा। हल्का गर्म घी रख दिया और ऐसे खींच लिया अंदर जाने दे, ये दिमाग में पहुंचाता है घी नाक के रास। और घी के बारे में जो रिसर्च हुई है आज तक वो ये कि ये दिमाग के हर उस हिस्से में पहुंच जाता है जहाँ दवा भी नहीं पहुंच सकती। घी की ये ताकत। तो गाय का दूध डाल के रात को सो, टेंशन करो, सवेरे उठ के अनुलोम विलोम करो,
and चुनाव जल्दी इंसोमनिया माने नींद से नहीं आना, इसकी यही दवा है तो बताइए अभी। टेंशन के कारण नींद नहीं आती तो टेंशन खत्म होगा तो नींद आएगी, और नींद आने के लिए अनुलोम विलोम करो और ये डालो। बहुत बढ़िया बता दी, मैं तो आज ही कह रहा हूँ, आज ही करना। गाय का घी तो मिल जाएगा, रात को डाल के सोना, सवेरे देखना कितनी जोरदार नींद आएगी। मैंने तो देखा जिनको घबराते होते हैं, नाक बचती है, उनकी नाक बचना भी बंद हो जाती है घी डालते, और कई बार नाक में रुकावट आ जाती है जिसको पॉलिप कहते हैं। डॉक्टर कहता है ना नाक को काटो, मांस निकालो, वो मांस को निकालने की जरूरत नहीं है, बस घी डालो, मांस अपने आप कम हो जाए। फोबिया, फोबिया माने डर, किसी भी चीज से लगने वाला डर। इसकी सबसे बढ़िया दवा यही है, अनुलोम प्राणायाम में एक नाक से सांस लेते हैं, दूसरी से निकालते हैं, दूसरी से लेते पहले से। ये तो ये जो प्राणायाम है ना, अनुलोम विलोम, कपाली भाती, फिर उसके भस्त्रिका, फिर उद्धि और प्रणव, ये सब सात प्राणायाम का एक सेट है, परम पूज्य स्वामी जी ने बनाया, और उसका एक ऑर्डर है। पहले भस्त्रिका करना, फिर कपाली भाती करना, फिर अनुलोम विलोम करना, इस तरह से क्रमवार एक घंटे रोज कर लो, तो हमने देखा 148 लोग जड़ से ठीक हो जाते। 148 जिन लोगों को डॉक्टर ठीक नहीं कर पाता वो प्राणायाम से ठीक हो जाते। जैसे डायबिटीज, डायबिटीज का इलाज नहीं डॉक्टर के पास, लेकिन आप प्राणायाम करो 3 महीने में डायबिटीज जड़ से ठीक हो जाए। मेरे पास ऐसे लाखों मरीजों का मैंने रिकॉर्ड रखा हुआ है जिनको 40-40 साल से शुगर थी, और वो आए हमारे योग शिविरों में, और कोई 7 दिन, कोई 15 दिन, कोई 21 दिन, कोई महीना, कोई 1.5 महीना, जिसकी जैसी कैपेसिटी थी उन्होंने शिविर किए। कुछ 7 दिन में सीख के घर चले गए अपने घर में, कुछ लोग 15 दिन सीख कर घर चले गए, लेकिन सबने बताया कि 2.5-3 महीने के प्राणायाम में ही जड़ से शुगर थी, और इतनी अच्छी ठीक हुई है उनकी शुगर कि अब वो रोज 250 ग्राम भी चीनी खा ले तो उनकी शुगर 1% नहीं बढ़ती। ये चमत्कार है, दुनिया में कभी नहीं होता ये प्राणायाम से। तो आप प्राणायाम सीख लो, सब बीमारियों का इससे दमा ठीक होता है, अस्थमा ठीक होता है, कीवी ठीक होती है, डायबिटीज ठीक होती है, हाइपरटेंशन ठीक होता है, ब्लड प्रेशर जो है हाई लो दोनों ठीक होता है, गठिया ठीक होता है, संधिवा ठीक होता है, माताओं के शरीर में गर्भाशय में गांठ हो जाती है वो भी गल जाती है, दिमाग में गांठ हो जाती है वो गल जाती है। इतनी अद्भुत चीज है ये प्राण। भारत के करोड़ों लोगों ने पिछले 10 साल ये प्राणायाम कर करके अपनी बहुत बीमारियां ठीक की हैं। आप भी करो, क्योंकि सरकार के पास बीमारी ठीक करने के लिए पैसे नहीं है और कभी होंगे नहीं। क्यों नहीं होंगे? जितना खर्चा है वो डॉक्टरों की तनख्वाह देने में जाएगा, और डॉक्टरों को ये निकाल नहीं सकते, नहीं तो हॉस्पिटल कैसे चले। बजट ज्यादा इनके पास बढ़ाने को पैसे नहीं, ज्यादा खर्च करने को पैसे नहीं, क्योंकि आमदनी कम है। सरकार की आमदनी 60 पैसा है और खर्चा 1 रुपया है, मालूम है? अब आमदनी 60 पैसा, खर्चा 1 रुपया, तो 40 पैसे हर साल कर्ज लेना पड़ेगा, कर्ज का ब्याज देना पड़ेगा, ब्याज के लिए टैक्स लगाने पड़ेंगे, टैक्स के लिए लोगों को महंगाई पड़ेगी ज्यादा, और ज्यादा महंगाई पड़े तो सरकार गिरेगी। ये दुष्चक्र में फंसे हैं सरकार वाले, कुछ भी पैसे। हर आदमी को अपने इलाज के लिए खुद काम करना पड़ेगा, और सबसे सरल काम है प्राणायाम करो। हर दिन सवेरे 5 बजे उठो, आस्था चैनल खोलो और देखो स्वामी जी कराते हैं, देखते हैं क्यों, नहीं तो हमारी योग कक्षाओं में जाओ, हमारे योग शिक्षक सिखाते हैं, देखते देखते सीखो।
और इसमें मजा इतना आता है कि हम तो खुद करें अपनी बीमारी मिट जाए, फिर दूसरे को हम सिखाएं उसकी भी बीमारी मिट जाए। फाइल्स के बारे में प्राणायाम करो, योग करो दोनों। अब इसके साथ और एक काम कर लो, फाइल्स ठीक हो जाएगा, गोमूत्र पी लो थोड़ा आधा का, बस महीने से डेढ़ महीने में जड़ से फाइल्स ठीक। और एक छोटा सा काम कर सको तो कर लेना, मुनक्के खाओ रोज। मुनक्का जानते हैं, मुनक्के को पानी में डाल दो, रात भर भीगा रहे 5-6 मिनट के, सवेरे उसका दाना निकाल देना बीज और मुनक्का चबा के खा लेना, पीछे से वो पानी पी लेना, फाइल्स बिल्कुल जड़ से ठीक। और पूछो सोराइसिस माने चमड़ी का एक रोग होता है, इसको ठीक करने के लिए प्राणायाम करो, बहुत जल्दी ठीक होगा। और इसमें सभी प्राणायाम करने पड़ते हैं, सोराइसिस भस्त्रिका से लेके अंतिम प्राणायाम जिसको हम उद्गीत कहते हैं, सब प्राणायाम। और साथ में एक काम करो, गाय का मूत्र लगाओ जहाँ पे सोराइसिस हो गया, 15 मिनट उसको सूरज की धूप में रखो, 15, फिर उसके बाद उसको पानी से धो लेना, तो बहुत जल्दी सोराइसिस जड़ से निकल जाएगा। सोराइसिस की दुनिया में दवा नहीं है, ध्यान से सुनना, इसकी एकमात्र दवा है प्राणायाम और गाय का मूत्र, गोमूत्र लगाना, प्राणायाम कर। और इम्पोर्टेंस नपुंसक, इस बीमारी का सबसे अच्छा इलाज है एक तो प्राणायाम करना, सभी प्राणायाम करने पड़ेंगे नपुंसकता में, वस्त्रिका से शुरू करके उद्गीत तक 7 प्राणायाम रोज करना 1 घंटा, और गन्ने के रस में चूना मिला के पीना, गन्ने का रस है ना उसमें चूना मिला के पीना, चूना कौन सा, जो पान की दुकान में मिलता है, कितना चूना मिला है, 1 गेहूं के दाने के बराबर चूना, 1 गेहूं का दाना कितना बड़ा उतना चूना, 1 गिलास गन्ने का रस मिला के रोज पियो, 3-4 महीने से 6 महीने तक लगातार ये रस पीना है चूने के साथ, फिर आप बोलोगे गन्ना नहीं मिला, तो जितने दिन गन्ने का रस मिले उतने दिन गन्ने का पियो, जब गन्ने का रस मिलना बंद हो जाए तो संतरे के रस में चूना मिला के पियो, वो ना मिले तो मौसम्बी के रस में चूना मिला के पियो, 6-7 महीने में नपुंसकता बिल्कुल ठीक हो जाए। लेकिन प्राणायाम के साथ एक भी बीमारी नहीं है जिसका इलाज नहीं है, और इलाज इतना आसान है जो बता रहा हूं मैं आपको, कितना आसान है समझ में, नपुंसकता जिसके लिए लोग 20-20 साल डॉक्टर के चक्कर काटते हैं, फोकट में ठीक होने वाली बीमारी, इसका एक छोटी बीमारी और है वो भी बता देता हूँ, आपने जो पूछा नहीं शायद शर्म के मारे, नपुंसकता तो एक बीमारी है, वीर में शुक्राणुओं की संख्या खत्म हो जाना ये और भी खराब बीमारी, उसका भी इलाज है अपने पास प्राणायाम करना एक तो, दूसरा लौंग का तेल गुनगुने पानी में मिला के पीना, लौंग है ना लौंग उसका तेल आता है मालूम है, तो 1 बूंद लौंग का तेल 2 चम्मच गुनगुने पानी में मिला के किसी को भी पिलाओ, वीर में शुक्राणुओं की संख्या भरपूर बढ़ जाए, कितना आसान इलाज है, लेकिन डॉक्टर के चक्कर में फंसे तो 20 साल घुमाएगा, उसके पहले छोड़ेगा नहीं, सारे पैसे घर से निकाल लेगा आपके, इसलिए मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं बीमारी से नहीं डॉक्टर से बचो। बीमारी पकड़ना डॉक्टर से नहीं, आपको मैं खराब बात कहना चाहता हूं, मैं भी खुद डॉक्टर हूं होम्योपैथी का, तो भी ये बात मैं कहता हूं कि बीमारी से ज्यादा खतरनाक डॉक्टर, कारण जानते हैं क्या, 99% डॉक्टर बेईमान हो गए हैं, सिर्फ 1% डॉक्टर ईमानदार बचे हैं, और वो बेईमानी पता है क्या करते हैं, सबसे बड़ी बेईमानी ये करते हैं कि जो दवा आपको वो लिखते हैं
वो तुम्हारे कमीशन खाते हैं। अब डॉक्टर अगर दवा में कमीशन खाएगा तो डॉक्टर का क्या उद्देश्य होगा? ज्यादा से ज्यादा दवा बिके तो ज्यादा से ज्यादा कमीशन मिले, और ज्यादा से ज्यादा दवा आपको खिलाएगा तो बीमारी होगी एक और गोलियां खिलाएगा 20। चार गोली सुबह खाओ, चार दोपहर को खाओ, चार शाम को खाओ, चार रात को खाओ, और ऐसे कहेगा गोलियां ही गोलियां खाओ, सब्जी मत खाओ, दाल मत खाओ, रोटी मत खाओ, सब्जी की जगह गोलियां मखो, ऐसे पता। क्योंकि उसका लालच क्या है, ज्यादा दवा पीटेगी ज्यादा कमीशन। और ये जो दवाएं हैं ना, इन दवाओं में डॉक्टर का कमीशन 35-40% है, और जो बेचने वाला केमिस्ट और ड्रगिस्ट है ना, उसका भी कमीशन 35-40%। तो आप सोचो कि डॉक्टर और बेचने वाले को इतना कमीशन, तो बनाने वालों को कितना होगा। मैंने भारत की 10 बड़ी दवा कंपनियों का हिसाब निकाला। एक कंपनी उसका नाम है फाइजर, एक कंपनी उसका नाम है प्रॉक्टर एंड गैम्बल, एक है जॉनसन एंड जॉनसन, एक है सिल्वा गाइडी, एक है ग्लैक्सो। ऐसी 10 कंपनियों का हिसाब निकाला तो उनकी एक एक दवा में मुनाफा 20,000%। एक एक का वो मुनाफा किसकी जेब से जाएगा? आपकी जेब से जाएगा। डॉक्टर उसमें से लेगा 35-40%, बेचने वाला उसमें से लेगा। फिर एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव नाम का जानवर पैदा हुआ है इस देश में, जो हर समय डॉक्टर के क्लिनिक के चक्कर लगाता रहता, उसका कमीशन जाएगा। ये सारा धंधा कमीशन होने का है, आपको ठीक करने से कुछ लेना देना है, कमीशन है। इस कमीशन के चक्कर में डॉक्टर हो गया लालची, तो वो लिखता है लंबी लंबी दवाओं की लिस्ट, और वो दवाएं जरूरत ही नहीं है, आप खाते रहते। इसलिए मैंने कहा बीमारी से नहीं, डॉक्टर से बचो। और दूसरा डॉक्टर का एक लालच है कि आप थोड़े भी बीमार पड़े तो सबसे पहले आईसीयू में भर्ती करेगा, आज आप प्लीज, क्योंकि आईसीयू में काटने को अच्छा मिलता है, जैसे बकरे को काटते हैं ना, वैसे आईसीयू में कर देते हैं डॉक्टर। और हर दिन का किराया लगेगा होटल के किराए में, और मशीन लगा के नाटक की बहुत करेगा। हाँ, वो ऐसी मशीन लगाएगा, हाँ आपको लगेगा बड़ा जोरदार काम हो रहा है, वो कुछ भी नहीं है, पैसे लूटने का खेल है। जब सांस लेने की ताकत नाक में है तो आईसीयू की क्या जरूरत है? भगवान ने ये नाक तो इसीलिए बनाई है, लेकिन आपसे पैसे कैसे लूटेगा? ऐसे बोलेगा तो आप दोगे नहीं, आईसीयू भर्ती करेगा, 10 दिन 15 दिन 20 दिन का बिल 50,000 का बनाएगा, 70,000 का बिल बनाएगा, लूट लेगा आपसे। और आईसीयू से भी ज्यादा खतरनाक एक मशीन है वेंटिलेटर, आपको मरने का समय आएगा तो भी छोड़ेगा नहीं, ये हराम ही होता है। ये क्या करेगा? वेंटिलेटर पे किसी का निकालेगा, और मशीन चलेगी, मरीज तो मर गया, मशीन चल रही 4 दिन 6 दिन 10 दिन, और किराया लग रहा। फिर एक दिन कहकर कि मर गया, वो तो 10 दिन पहले ही मर गया, वो 10 दिन का भी पैसे लेगा। डॉक्टर जो है ना, कसाई है यमराज का भाई। मुझे कई बार लगता है यमराज तो बहुत दयालु, वो तो खाली जान लेता, डॉक्टर तो पैसे भी निकालेगा, जान भी लेगा, घर बिकवा देगा, खेत बिकवा देगा, गहने बिकवा देगा, दिवालिया कर देगा। और आजकल के बेईमान डॉक्टर, पता है जैसे ही आप हॉस्पिटल में जाते हो, कान में पूछते हैं इंश्योरेंस है क्या, बीमा है क्या, माने अच्छे से बकरे को हलाल करो अगर बीमा है। तो ये डॉक्टर के चक्कर में मत फंसो, जिंदगी में कभी मत फंसो। तो आप लोग को क्या करना, बीमार बन पड़ने, बीमार नहीं पड़ने के लिए 4 नियम बताता हूँ आपको, जिनका पालन करो आज। बीमारी आई तब तो योग प्राणायाम करना, और जो मैंने इलाज बताया वो इलाज करना। सब चीज का इलाज अपने घर में है, घर के बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। हर बीमारी का इलाज घर में है। आपने तो 2-4 10 ही इलाज पूछे, मुझे तो उम्मीद थी कि आप और ज्यादा पूछोगे।
बहुत बढ़िया इलाज है जिसको वो गाय के मूत्र में, तो शराबी आदमी को गोमूत्र से सब नशा छोड़ देगा, वो देख लेना गोमूत्र पीते ही सब नशे छूट जाते, बीड़ी का, सिगरेट का, शराब का, अफीम का, चरस का, मारी जुड़ाने का, सब नशे छूट जाते क्योंकि गोमूत्र में भरपूर सल्फर है, सल्फर शरीर में पहुंचते ही उसको नशा करने की आदत ही खत्म हो जाती है, क्षय भी होती है। जी के भक्त भाई साहब गांजा बहुत पीते हैं। हां वो इसलिए सल्फर की पूर्ति कर, ऑर्गेनिक है ना, भी ये जो गांजा है ये तो ऑर्गेनिक है, लेकिन गांजे का जो सल्फर है ना उसका जो एल्केलिनिटी है, उसकी क्षारीयता है वो गड़बड़ है, तो उससे ये कहो गांजा की बजाय ये मूत्र पीते। शंकर जी का है नहीं बैल कहाँ से आया, गाय से आया, गाय का मूत्र पी ले भाई, शंकर जी का भगत है। जो लोग गांजा पीते हैं, चरस पीते हैं, नशा करते हैं, उनका नशा छोड़ाना है तो उसके लिए और एक सल्फर है अपने पास, गाय मूत्र में तो सल्फर है, सबसे ज्यादा और एक चीज में सल्फर है उसका नाम है अदरक, अदरक जिंजर जिसको अंग्रेजी में कहते हैं अदरक, अदरक खिलाओ। कैसे खिलाएं, सब नशेड़ी लोगों को कहो कि अदरक मुंह में रखे, चूसा अदरक ले लें छोटा सा टुकड़ा मुंह में रख के चूस, उसका छिलका का नशा छूट जाए, हर तरह का नशा छूट जाए। और प्राणायाम करें, प्राणायाम से क्या थोड़ी ऑक्सीजन ज्यादा मिलती है शरीर, ऑक्सीजन मिले तो शरीर का सारा एक्टिविटी अच्छा रहता है, तो शरीर भी कुछ सल्फर एज्यूम करता है, रिसीव करता है, प्राणायाम के लिए तो और अच्छा हो जाएगा। सब बीमारी का इलाज है अपने पास, पैरालिसिस, पैरालिसिस का इलाज जो है ना घर में नहीं कर पाएंगे, फिर भी आप थोड़ा करने की कोशिश करिए, पैरालिसिस अगर हो गया तो इसको ये करिए कि नाक में गाय का घी डालिए, प्राणायाम करें, सब प्राणायाम करें, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, और एक होम्योपैथी की दवा, उस दवा का नाम है कॉस्टिकम, बाजार में मिलती है कॉस्टिकम, CAUSTICUM कॉस्टिकम, और इस दवा की जो ताकत है वो 1000, कॉस्टिकम पर 1000 पोटेंसी की 3 खुराक दे दीजिए, प्राणायाम रोज कराइए, गाय का घी नाक में डालिए, पैरालिसिस बिल्कुल ठीक हो जाता है, बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाता है। पेट दर्द, पेट दर्द की तो बहुत दवाएं अपने घर में है, अजवाइन है ना, भून के तवे पे काले नमक के साथ खा लो पेट दर्द की, हींग ले लो पेट दर्द की, जीरा भून के खा लो पेट दर्द की, पुदीने के पत्ते का रस पी लो पेट दर्द की, पेट साफ नहीं होना, पेट साफ नहीं होता, इसके लिए क्या करें, एक तो आप गोमूत्र पी लो, बहुत अच्छे से पेट साफ करें, सबसे आसान है, दूसरा मुरक का खाओ, खूब पेट साफ, मुरक का ना मिले तो किशमिश खाओ, खूब पेट साफ, और अगर एक काम करो खाने को खूब चबा चबा के खाओ, पेट बिल्कुल साफ, जल्दी खाना खाओगे पेट साफ नहीं, चबा चबा के धीरे धीरे खूब पेट साफ। गैंग्रीन की सबसे अच्छी दवाई ये गेंदे का फूल है ना, गेंदा नहीं, गेंदा नहीं, क्या है वो, ये गेंदे का फूल गैंग्रीन की सबसे अच्छी दवाई, न सिर्फ इससे गैंग्री ठीक होता बल्कि ऑस्टियोमाइलाइटिस भी ठीक होता, सबसे अच्छी दवा है। क्या करना, इसके जो पीले पीले पत्ते हैं ना ये निकाल के इसकी चटनी बनाओ, गाय के मूत्र में चटनी, किसमें बनाएंगे, गाय के मूत्र, पानी में नहीं बनाएंगे, पत्ते निकालो पीसो गाय के मूत्र में चटनी, उस चटनी को लेप कर दो जहां गैंग्री हो गया, 6 से 8 महीने में बिल्कुल गैंग्रीन ठीक हो जाता है, जब से, और नए सेल्स बन जाते हैं,
ऑस्टियोमायलाइटिस भी इससे ठीक होता है। ऑस्टियोमायलाइटिस में कोई बड़ा घाव हो जाता है पांव में हाथ में कहीं भी बढ़ता नहीं है, वो इस गेंदे के फूल से होता है। इसलिए मैं लोगों से कहता हूँ ये गेंदे का फूल फालतू मैदानों में बर्बाद मत करो, ये बहुत बड़ी दवा है। ये हमारे जैसे लोगों को माला डालना बर्बाद करते हैं, हम तो बिना माला के भी अच्छे हैं और माला तो तब डाली जाती है जब आदमी मर जाए, ये जिंदे आदमी को माला नहीं रहना। इसलिए मैं माला पहनता हूँ हाथ में लेकर, आप डालना बंद करो। ये माला जो है ना भगवान के लिए है और यहाँ ये जो है ना दवाई के लिए, खराब मत करो। गेंदे के फूल घर में लगाओ, पानी गेंदा लगा के रखो, ये फूल किसी भी घाव को भरता है। मैंने इतने बड़े बड़े घाव भरे हैं इस गेंदे के फूल से, किसी को गोली लगती है सरायतल की गोली लगे तो गोली जहां से जाएगी वहां तो छोटा छेद होता है, जहां से निकलती है वहां पूरा बड़ा होता है, वो घाव भी इस गेंदे से भरता है। गोली का घाव, बम का घाव, पिस्तौल की गोली का घाव, तमंचे की गोली का घाव, छबरे का घाव, बड़े बड़े फोड़े हो जाते हैं शरीर में, उसका घाव भी इसी से भरता है गेंदे के फूल से। ये बहुत काम है, जल जाए तब भी ये काम है। जले हुए पे चटनी लगा दो ये एकदम ठंडक कर देता है और बहुत जल्दी ठीक कर देता है। और इस गेंदे के फूल का रस निकाल के बोतल में भर के रखो, सालों साल सुरक्षित रहता, खराब नहीं होता। उस रस का भी इस्तेमाल कर सकते, जैसे घर में डिटॉल इस्तेमाल करते हैं वैसे गेंदे के फूल का रस इस्तेमाल करें। डिटॉल कीजिए, सेवलॉन कीजिए, हाँ विदाउट प्रिजर्वेटिव, कोई जरूरत नहीं है। समझ में आया? हमारे में मारा नहीं डालना है। और ये काम करना, अगर आप खेती करते हैं ना तो खेत की जो मेड़ होती है ना उस पर गेंदे के फूल लगा दें, आपके खेत में कभी कोई कीड़ा नहीं घुसेगा, कोई कीड़ा नहीं घुसेगा। और जिंदगी पर कीड़े मारने के लिए दवा नहीं डालनी पड़ेगी, कितनी जोरदार चीज, क्योंकि गेंदे के फूल को कोई कीड़ा नहीं लगता, कभी भी नहीं लगता। ल्यूकोडर्मा के लिए आप करो, एक आता है बाबूजी, बाबूजी एक आयुर्वेद की लकड़ी है, देवजी कहते हैं, तो बाबूजी कहते हैं, तो बाबूजी को गाय के मूत्र में घिसो और नीम की छाल वो भी गाय के मूत्र में घिसो, दोनों बराबर मात्रा में लगाओ, जहां जहां सफेद दाग हो गए बिल्कुल दाग चुक। प्राणायाम भी करो साथ, एनीमिया की तो बहुत अच्छी दवा है, रोज एक कप अनार का रस पी, बस रोज जड़ से एनीमिया की। और प्राणायाम भी करो, प्राणायाम तो हर एक में जोड़ लो, बोनस है। कमर दर्द, कमर दर्द, कमर दर्द तो ऐसे ठीक हो जाती है। ज्यादातर कमर दर्द का कारण क्या है वो पता कर लो, जैसे ज्यादा काम किया कमर दर्द हो गया, ज्यादा काम के कारण अगर कमर दर्द है तो दूध और घी मिला के पी लो, थोड़ी हल्दी भी डाल दो, कैल्शियम की कमी हो जाए तो भी कमर दर्द होता है, उसके लिए चूना खाओ, गेहूं में दाने के बराबर चूना पानी में मिला के पी लो, दही में डाल के खा लो, छाछ में मिला के पी लो, कमर दर्द ठीक हो जाए। गठिया के लिए सबसे अच्छा प्राणायाम वो तो करना ही है, और मेथी दाना खाओ, मेथी दाना, मेथी है ना, रात को पानी में भिगो दो, एक चम्मच मेथी एक गिलास पानी, सवेरे तक वो फूल जाएगी, उस मेथी को चबा के खाओ, पीछे से कोई पानी पी, और रोज प्राणायाम करो, गठिया ठीक हो। स्टोन
स्टोन की समस्या घर में ठीक नहीं है, इसके लिए दवा चाहिए। एक तो आयुर्वेद में दवा आती है, उसका नाम है पत्थर चक्का। मालूम है पत्थर चक्का? नहीं मालूम। होम्योपैथी की एक दवा याद रखो, पत्थर चक्का से ही बनती है, उसका नाम है वल्गैरिस वल्गैरिस। ये दवा किसी भी डॉक्टर के यहाँ मिलेगी, होम्योपैथी वाले के यहाँ। एक शीशी ले लेना पूरी 50 ग्राम की, इसमें से 15 बूंदे चौथाई कप पानी में डाल के दिन में 3 बार पी लेना। 15 दिन में सब पत्थर टूटने निकल जाए और पत्थर चक्का मिल जाए। तो 5 ग्राम पत्थर चक्का 1 गिलास पानी में उबाल लिया, उबालना इतना कि पानी ना भरा, फिर उसको पी लेना दिन में 3 बार, तो भी 15 दिन में पत्थर टूटने निकल जाए। पसीने की दुर्गंध और मुंह की दुर्गंध का एकमात्र कारण है पेट साफ नहीं होना। अगर पेट साफ नहीं होगा तो मुंह में बदबू आएगी, शरीर में बदबू आएगी। पेट साफ करो, बदबू करो। और पेट साफ करने का तरीका बता, नमक का खाओ, खाने को चबा चबा के खाओ। तो उसकी सबसे अच्छी दवा आपके घर में है धनिया का पत्ता। धनिया पत्ता को पीसो, चटनी बनाओ और गुनगुने पानी में मिला के पियो। धनिया पत्ता चटनी बनाओ, उसमें नमक मिर्च नहीं मिलाता, गुनगुने पानी में धनिया पत्ते की चटनी मिला के पियो, थायराइड जड़ से ठीक हो। और प्राणायाम करो साथ में, वो भूलना नहीं। ऐसा करो, बुक्स तो बहुत है, हमारे किसी भी चिकित्सा केंद्र में चले जाओ, पतंजलि चिकित्सा केंद्र में, और वहाँ पर जड़ी बूटी रहस्य करके एक पुस्तक मिलती है, वो ले आओ। उसमें तो सैकड़ों बातें हैं, मैं तो थोड़ी थोड़ी बता, वो भी है। और एक पुस्तक है प्राणायाम रहस्य, वो भी है। हाँ, प्राणायाम रहस्य से ये पता चलेगा कि प्राणायाम से कौन कौन बीमारी ठीक हो रही है। जड़ी बूटी रहस्य से ये पता चलेगा कि कौन कौन बीमारी जड़ी बूटी हो रही है। और इन सबका एकमात्र उपाय है याद शक्ति बढ़ाओ। वैकल्पिक व्यवस्था है, साइलेंट किलर है, इसका मूल रूट का सलूशन साइलेंट हीलर। हाँ वो तो है। आप सिर्फ इतना करो, अपनी याद शक्ति बढ़ाओ, स्मरण शक्ति। अब स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए एक दो उपाय बताओ। रोज तो प्राणायाम करो, स्मरण शक्ति बढ़ाओ, गाय का घी नाक में डालो, स्मरण शक्ति और ज्यादा बढ़ाओ। रोज चूना खाओ, दही में डाल के, स्मरण शक्ति बहुत बढ़ेगी। 3 काम मांसपेशी हड्डी दर्द करना, मांसपेशी हड्डियों का दर्द तो दूध घी और हल्दी मिला के पियो, उससे मिट जाए। अब बच्चे कुछ पूछे, पूछो लंबाई बढ़ानी है, किस किस को बढ़ानी है? अब बच्चे लंबाई बढ़ाने के लिए क्या कह रहे, सुनो। सवेरे 5 बजे सो के उठो, 5 बजे बता, 5 बजे उठना। तुम्हारे घर में आस्था टीवी आता है, उसको चालू करो। उसमें एक बाबा जी आते हैं नाम के, वो जो सिखाते हैं वो करना। एक काम क्या बढ़ेगा, लंबाई। दूसरा चूना खाना लो, थोड़ा सा चूना, दही के, दही है ना दही, उसमें गेहूं के दाने के बराबर चूना मिला के रोज खाए। जो बच्चे चूना खाएंगे सबकी लंबाई बढ़ेगी, और जो बच्चे चूना खाएंगे चश्मा सबका उतर जाएगा, जो बच्चे चूना खाएंगे सबके बाल काले रहेंगे, जो बच्चे चूना खाएंगे सब बच्चों की स्मरण शक्ति बहुत अच्छी रहेगी।
नहीं हो गया दही में मिला के सीधे चाटोगे चूना तो छाले हो जाए, दही में मिला के खाओ ठीक है, याद हो गया। अब मैं और एक दो तीन बातें बताता हूँ सबके लिए, बच्चों के भी पढ़ो। मैंने इतनी सब बातें बताई हैं, ये तो बीमारियों का इलाज करना, अब मैं कुछ ऐसी बात बताना चाहता हूँ कि बीमारी आए ही नहीं, ऐसा भी कुछ करना। तो बीमारी कब नहीं आएगी, आप कुछ नियम का पालन करो अपने जीवन में। हमारे भारत में आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र, आयुर्वेद चिकित्सा अकेली चिकित्सा है पूरी दुनिया में जो हर व्यक्ति को स्वस्थ रहना सिखा सके, बीमार ही कोई ना पड़े इसके लिए आयुर्वेद। तो आयुर्वेद चिकित्सा में कुछ नियम है, उनका जो भी पालन करेगा वो बीमार नहीं पड़ेगा। क्या नियम है, 7000 नियम आयुर्वेद चिकित्सा, 7000 नियम पालन करना तो किसी के बस का नहीं। उन 7000 में से मैंने छांट छांट के 4 नियम लिखा दिए, 4, और इसमें मुझे 12 साल लगे। क्यों लगे, क्योंकि वो एक एक नियम का पालन मैंने खुद किया अपने, और फिर मैंने देखा कि ये 4 नियम बहुत आवश्यक है हर व्यक्ति, वो आपको बताए, वो चारों आपको याद हो जाएंगे आज। पहला नियम है, आयुर्वेद में ये कहा गया कि वात पित्त और कफ तीनों अगर आपके संतुलित हैं तो आप कभी भी बीमार नहीं होंगे, कभी भी जिंदगी में रोग नहीं आए। इसका माने वात पित्त कफ को ठीक रखना ये एक मात्र काम है। तो वात पित्त कफ ठीक रखने के लिए पहला नियम है खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना, ये पहला नियम, खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना। कब तक? हाँ कब तक, अब ये समझ लें खाना खाने के बाद पानी क्यों नहीं पीना, क्योंकि आप तो कहोगे हम तो पानी ही पीते हैं खाने के बाद, लोटा लोटा भर के पीते हैं, कई लोग खाने से ज्यादा पानी पीते हैं, खाना कम खाते हैं पानी ज्यादा पीते, आयुर्वेद कहता पानी नहीं पीते, क्यों नहीं पीना। जो कुछ खाना हम खाते हैं वो खाना सब पेट में इकट्ठा होता, पेट में एक छोटा सा स्थान होता है उसको कहते हैं जठर, जठर हिंदी में कहते हैं आमाशय, अंग्रेजी में कहते हैं एपिगैस्ट्रिक। तो जठर नाम का एक स्थान, आमाशय नाम का स्थान, सारा खाना वहां इकट्ठा होता है। इस स्थान में आग जलती है, अग्नि, उसको कहते हैं जठर अग्नि, जठर अग्नि। ये जो अग्नि है ना वो खाने को पचाती है, जैसे हमारे रसोई घर में अग्नि है ना उस पर दूध रखते हैं और चावल डाले तो खीर बनती है, और अगर अग्नि ना हो तो खीर बनेगी। ऐसे ही पेट में हम कितना भी अच्छा खाना खाएं अगर अग्नि नहीं है तो खाना पच नहीं सकता। खाना खाना फालतू काम है, खाने को पचाना महत्व का। तो खाना खाया अब ये पचना चाहिए, पचने में अग्नि की जरूरत पड़ती है। तो जैसे ही आप खाना खाते हैं अग्नि अपने आप जल जाती है, जब अग्नि जलती है तभी आप पानी पीते हो, और खूब ठंडा पानी पी लेते हैं तो अग्नि बुझ जाती। अब अग्नि अगर शांत हो गई तो खाना नहीं पचेगा, तो फिर खाना सड़ेगा और सड़ा हुआ खाना विष पैदा करेगा, और इस विष में से 103 रोग आएंगे आपकी जिंदगी। इसलिए आयुर्वेद कहता है खाने के बाद पानी मत पियो। अब आप बोलोगे कब तक ना पिए, जब आप खाना खाते हैं खाने को पचाने के लिए अग्नि जलती है, ये अग्नि लगभग 1 से 1.5 घंटे जलती है, तो 1 से 1.5 घंटे तक पानी नहीं पीना। 10 बजे खाना खाया 11:30 बजे पानी पी, 11 बजे खाना खाया 12:30 बजे पानी, पानी कौन सा समझ में आ गई ना। एक बात समझ में, खाने के कितनी देर बाद पानी पीते, अब आप ये पूछो
खाने के बाद पानी तो नहीं पिएंगे, कुछ और पी सकते हैं खाने के तुरंत बाद। एक तो पी सकते हैं लस्सी, छाछ, मट्ठा, तक्रम, मज्जिगे, ये सब एक ही नाम है। दही में पानी मिला के रई चला के जो बनाते हैं ये खाने के बाद पी सकते हैं। एक दूसरी चीज पी सकते हैं दूध, खाने के तुरंत बाद। और तीसरी चीज पी सकते हैं जूस, फलों का रस, खाने के तुरंत। तो या तो जूस पियो खाने के बाद, या तो मट्ठा पियो, छाछ पियो, नहीं तो तू पानी के बाद। ठीक है, आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि जूस में तो पानी है, लस्सी में भी पानी है और दूध में भी पानी है, तो आयुर्वेद एक तरफ तो कहता है कि पानी मत पियो और दूसरी तरफ वही आयुर्वेद कह रहा है जूस पियो, ये क्या चक्कर है। बात ऐसी है कि पानी जब अकेला होता है तो पानी के अपने गुण उसमें रहते हैं। पानी जब किसी चीज में मिला दिया जाता है तो फिर वो पानी नहीं रहता। जिस चीज में आपने पानी मिलाया, पानी उसी के गुण धारण करते। आपने लस्सी बनाई तो पानी किस में मिलाया, दही में, तो अब पानी में सारे गुण दही वाले आ गए। आपने दूध में पानी मिलाया तो पानी के गुण सारे दूध वाले, आपने जूस में पानी मिलाया तो सारे फल के गुण पानी में आ गए। तो जूस पी सकते हैं, लस्सी पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं, पानी डेढ़ घंटे बाद। अब जूस पीना हो तो सुबह सुबह पीना चाहिए हमेशा। आयुर्वेद ने कहा जूस पीने का समय सवेरे माने नाश्ते के बाद। लस्सी और छाछ हमेशा पीनी चाहिए दोपहर को लंच के बाद, और दूध पीना चाहिए रात को डिनर। क्यों? दूध हमें पीना है तो दूध पचाना पड़ेगा, दूध पचाने के लिए जो एंजाइम्स चाहिए शरीर में वो रात में ही ज्यादा होते, जूस पचाने वाले एंजाइम्स सवेरे ज्यादा होते और दही वाले दोपहर में। इसलिए दही दोपहर में, लस्सी दोपहर में, छाछ दोपहर में, दूध रात में, जूस सवेरे। ठीक है, समझ में आ गया। ये नियम का पालन करेंगे, जो इस नियम का पालन करेगा वो बीमारी नहीं पड़ेगा। मैं 20 साल से इस नियम का पालन कर रहा हूँ, 20 साल हो गए, और पिछले 20 साल में एक दिन भी मैं हॉस्पिटल में भर्ती नहीं हुआ। इस नियम का पालन हमने विद्यार्थी जीवन से किया। मैंने एक बार स्वामी जी को पूछा था, आप इस नियम को कब से जानते हैं? तो उन्होंने कहा मैं जब गुरुकुल में पढ़ने गया था तब से। अब गुरुकुल में जब वो गए थे 7-8 साल की उम्र, तब से वो इस नियम का पालन करते और बीमार नहीं पड़ते। इस नियम का पालन सभी जानवर करते हैं, सभी पक्षी इस नियम का पालन करते। गाय को देखो, खाना खाती है, खाने के बाद पानी नहीं पीती, खाना खाने के 2-2.5 घंटे बाद पानी पीती। भैंस भी खाने के 2-2.5 घंटे बाद पानी पीती, बैल भी ऐसा ही करता, पक्षी भी ऐसा ही करते। पक्षी खाना सुबह खाते हैं, पानी दोपहर, इसलिए सारे पशु पक्षी स्वस्थ रहते। हमें भी ये नियम पालन करना है। खाना खाते खाते पानी तब पीना चाहिए जब खाना गले में फंस जाए, नहीं तो नहीं। नहीं, अगर गले में खाना नहीं फंस रहा तो नहीं पी। हाँ, तो नियम ध्यान में आया, करोगे सब, समझ में आया? अपनी माँ को बताओगे ये नियम, पिताजी को बताओ। अब दूसरा नियम, दूसरा नियम आयुर्वेद का है कि पानी को जब भी पीना घूट घूट भर के पीना। एक घूट पानी पिया, थोड़ी देर रुके, एक घूट पानी पिया, फिर एक घूट पानी पिया, फिर ऐसे पानी, जैसे गर्म दूध पीते हैं ना ऐसे पानी पिए, गर्म चाय पीते हैं ऐसे पानी पिए,
एक साथ बैठाकर पानी नहीं, क्यों? कारण बताओ। कारण उसका ये है कि जब हम भूत पानी पीते हैं तो लार जो है मुंह में लार ये ज्यादा अंदर जाती है पानी में, और मुंह की लार जो है ना ये खाली है हरिद्वारी, और पेट में हमारे अम्ल बनता है। तो ये क्षार और अम्ल दोनों मिले तो एक दूसरे को निष्प्रभावी कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते। तो आयुर्वेद कहता है कि बार बार मुंह की लार पेट में जाए तो पेट का अम्ल शांत रहता है, और जिनके पेट का अम्ल शांत होता है उनकी जिंदगी में 140 रोग कभी नहीं आते। अम्ल पेट का बढ़ेगा तो 140 रोग, अम्ल ना बढ़े तो एक भी रोग नहीं। ये जो मोटापा है ना पेट के अम्ल बढ़ने से शुरू होता है, डायबिटीज पेट के अम्ल बढ़ने से शुरू होती है, अर्थराइटिस पेट के अम्ल बढ़ने से शुरू होती है, हार्ट अटैक पेट के अम्ल बढ़ने से शुरू होता है, सब बीमारियां वहीं से शुरू होती है। 99% बीमारियां पेट से शुरू होती है, और पेट में अम्लता होनी नहीं चाहिए, पेट क्षारीय रहना चाहिए हमेशा, एलकलाइन रहना चाहिए, और वो रहने के लिए लार मुंह में है तो पानी के साथ पीते रहो थोड़ा थोड़ा ताकि पेट शांत। बट टू अगेन टू बता दो, ये दूसरा नियम समझ में आए, बच्चों को समझ में आए कैसे पानी पिएंगे? घूट घूट घटा कर नहीं पिए, एक घूट पिएंगे, थोड़ी देर रुकेंगे, फिर एक घूट पिएंगे, फिर रुकेंगे। आपने देखा चिड़िया कैसे पानी पीती? चिड़िया चोंच पानी में डालती, एक बूंद पानी की लेती है बस एक बूंद, फिर चोंच को ऐसे ऐसे चलाती है, फिर पूरा पीती है, फिर दूसरी बूंद लेती है, फिर चोंच चलाती है, फिर पीती है, फिर तीसरी बूंद लेती है, ऐसे पानी पीती है। किसी चिड़िया को देखा जो मोटी हो, हैवी हो, जिसकी तोंद बाहर निकली, एक भी चिड़िया नहीं, क्योंकि पानी बूंद बूंद। कुत्ते को देखो कैसे पानी पीता, चाट चाट है ना, वो भी घूट घूट पानी पीता चाट। बिल्ली कैसे पानी पीती है? चाट चाट। सारे जानवर सारे पक्षी पानी को घूट घूट पीते, हम भी ऐसे ही पिए। ठीक है, याद हो गया? दो नियम। तीसरा नियम है सुबह उठो तो सबसे पहले पानी पीते, सुबह उठते ही मुंह नहीं होना, कुल्ला नहीं करना, दांत साफ नहीं करना, पानी पी, रात को मुंह साफ करके सोना, उठते ही पानी, कितना? कम से कम एक गिलास। कैसे पिएंगे? क्या फायदा इसका? रात को हम सो गए, मुंह में लार जमा हो गई सब, उठते ही पानी पिएंगे सब लार अंदर चली जाएगी, और सुबह की लार सबसे ज्यादा कीमती होती है। इसकी कीमत पता है कितनी? मुझे तो अभी थोड़े दिन पहले पता चला अमेरिका में एक बहुत बड़ी कंपनी ये मूंग की लार को पैकेट में बंद करके बेचती है। मूंग की लार छोटे छोटे पैकेट में बंद करके बेचती है, जैसे अपने यहाँ शैम्पू बिकता है शैम्पू, ऐसे अमेरिका में मूंग की लार के पैकेट बनते, और 10 मिलीग्राम का पैकेट 10,000 रुपए इतना में। मैंने उस कंपनी को पूछा ये लार तुम लाते कहां से? तो उसने कहा इसकी कोई मशीन तो है नहीं, तो उन्होंने कहा हमारी कंपनी के जो कर्मचारी हैं इनको सवेरे सवेरे थूकने को बोलते हैं, तो एक टब में वो थूक देते हैं उसको पैकेट में भर देते हैं, और एक पैकेट 10,000 का बिकता है। मैं पूछा उनको कौन खरीदता है ये पैकेट, तो उन्होंने कहा कि जो लोगों को मुंह में लार नहीं बनती है वो खरीदते, तो मुंह में लार किसको नहीं बनती? तब उन्होंने कहा जिनको कैंसर हो जाता है, और कैंसर की चौथी अवस्था जब आ जाती है शरीर में तो लार बनना बंद हो जाता, तो कैंसर के मरीजों को वो बेची जाती है। कैंसर के मरीज उस पैकेट को मुंह में निचोड़ते हैं, थोड़ी लार जाती है, सब कुछ खा पाते हैं, नहीं तो खाई नहीं सकते। और अमेरिका में कैंसर बहुत होता है,
तो उनका धंधा फुल छूट गया, 10,000 रुपए का पैसा। अब मुझे उसी दिन से ये फील होता है कि हम ये कार को फोकट में थूकते हैं, तंबाकू खा के थूकते हैं, गुटखा खा के थूकते हैं, ऐसे भी थूकते हैं और सुबह सुबह तो जरूर थूकते हैं, जबकि सुबह की लार सबसे ज्यादा कीमत थूक 10,000 का नुकसान है। एक बार थूक हो गए 10,000 रुपए का नुकसान हो। अब मैंने ये ऑब्जर्वेशन किया है, मनुष्य को छोड़कर कोई भी जानवर और चिड़िया थूकता नहीं, मनुष्य है जो थू थू मचाएगा। एक तो गंदगी फैलाता है, सड़क खराब करता है, दीवार खराब करता है और ऊपर से 10,000 का नुकसान करता है, बर्बाद करता है। ये जो लार है ना, ये थूकने के लिए नहीं बनाई भगवान, ये अंदर से जाने के लिए, समझ गए, थूकना नहीं। जब भी मुंह में थूक आए उसको अंदर ले जाना, बाहर नहीं। एक बार एक बहुत बड़े जैन संत का मैं प्रवचन सुन रहा था, उनका नाम है आचार्य चंद्रशेखर विजय जी महाराज, श्वेतांबर समाज के बहुत बड़े संत, गुजरात। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, मैं तो वैसे सभी संतों का सम्मान करता हूँ, उनका बहुत सम्मान करता हूँ। वो एक बार सुना रहे थे अपने प्रवचन कि सवेरे सवेरे थूकना बहुत बड़ी हिंसा है, तो जैन लोगों को बोल रहे थे कि हिंसा मत करो, तो सुबह मत थूको जमीन पे। ये बात मेरे दिमाग में बैठ गई। मैंने उनसे पूछा कि ये हिंसा कैसे, तो उनका जो तुम्हारा नाम है बताओ, मेरा नाम प्रवचन है, जो शास्त्र में लिखा है मैंने वो कह दिया, अब तुम ढूंढो। मैं क्यों ढूंढू, तुम्हारे दिमाग में सवाल आया तुम ढूंढो, तो मैंने ढूंढा कि ये हिंसा कैसे। तब मैंने इसका एक एक्सपेरिमेंट किया, सवेरे सवेरे कुछ चींटियां जा रही थी, मैंने उनके ऊपर थूक दी, सब चींटी मर गई, सब। तब मेरे समझ में कि क्यों मर गई, तो मैंने दूसरे दिन मेरा थूक सवेरे का लिया और पीएच मीटर से उसको टेस्ट किया, तो हाईली एल्केलाइन था, बहुत ज्यादा क्षारीय था, और ज्यादा क्षारीय चीज से सब जीव मर जाते हैं। तब मेरे समझ में आया कि जैन शास्त्र में ये बात क्यों लिखी गई कि थूकना नहीं सुख, नहीं तो पाप करता है इंसान, क्योंकि जीव मर जाते हैं। अब ये बात को धर्म में पाप से जोड़ दिया, पुण्य से जोड़ दिया, है तो ये शरीर के स्वास्थ्य की बात कि सुबह थूको भी नुकसान तो आपका है। अब वो नुकसान हमें समझ में कब आता है, पाप पुण्य ज्यादा समझ में आता है, तो हमने कह दिया पाप होता है, फिर लोगों ने सोच लिया कि पाप होता है, पाप वो वास्तव में हमारे नुकसान से जुड़ा हुआ है, क्योंकि सुबह थूको गई है, लार निकल गई, इसकी तो कीमत दस हजार की है। और आजकल हमको अर्थ की बात जल्दी समझ में आती है, इसलिए मैंने कहा 10,000 का नुकसान मत करो, ये अंदर लेते जाओ क्योंकि ये बहुत शायद है। और अंदर ले जाने का सबसे आसान तरीका है सुबह उठते ही पानी पीना, सब लार अंदर चले। और पानी कैसा पिए, सर्दियों में गुनगुना पानी पियो और गर्मियों में सादा पानी, ठंडा होते हमेशा या तो गुनगुना पानी नहीं तो सादा। तो तीन नियम हो गए, याद हो गए, पहला नियम खाने के 1.5 घंटे बाद पानी पिए, दूसरा नियम पानी घूट घूट पिए, तीसरा नियम सुबह उठते ही पानी पिए, फिर उसके बाद टॉयलेट में जाए, पहले पानी पिए बाद में टॉयलेट, समझ गए। माँ को बताओगे, पिताजी को भी, चलो अब आखिरी नियम चौथा। चौथा नियम आयुर्वेद का है, वो ये कि कितनी भी गर्मी पड़े, कितना भी पसीना निकले, ठंडा पानी कभी भी ना पिए, कितनी भी गर्मी पड़े, कितना भी पसीना निकले, ठंडा पानी ना पिए। अब ठंडा पानी माने बर्फ डाला हुआ पानी ना पिए,
ठंडा पानी माने रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ पानी, रेफ्रिजरेटर का पानी बहुत ठंडा है। ठंडे पानी की परिभाषा क्या है? जिस पानी का तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है वो पानी ठंडा है, वो नाम। और फ्रिज का पानी अगर आप नापो तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, बर्फ का पानी नापो 4 डिग्री सेंटीग्रेड है, कभी नहीं। तो मटके का पानी की ना, मिट्टी के घड़े का, उसका तापमान 35 डिग्री के आसपास है और इतना ही तापमान हमारे शरीर का। तो घड़े का पानी पी सकते हैं, बर्फ का नहीं। और बर्फ के साथ फ्रिज का पानी, समझ में आया? अब क्यों नहीं पीना ठंडा पानी? बात ऐसी है कि हमारा पेट गर्म है ना, और पानी ठंडा है, तो गर्म पेट में ठंडा पानी डालो तो झगड़ा होने वाला है। या तो पेट पानी को गर्म करेगा या पानी पेट को ठंडा करेगा। अगर पानी ने पेट ठंडा कर दिया तो शरीर ठंडा होने में 3 मिनट लगेंगे, क्योंकि पेट ठंडा होगा, हृदय ठंडा होगा, मस्तिष्क ठंडा होगा, पूरा शरीर ठंडा होगा, राम नाम सत्य हो गए। और ठंडा शरीर हो गया ना तो घर के बाहर निकाल के सेक देंगे और ले जाके जला देंगे, इसलिए शरीर ठंडा नहीं करना, शरीर गर्म रहना ही चाहिए। तो इसलिए गुनगुना पानी ही पीना चाहिए। अब बच्चों को एक बात और समझा, अमेरिका में है ना, अमेरिका में जो बच्चे होते हैं, बड़े लोग होते हैं, वो बहुत ठंडा पानी पीते हैं। कितना ठंडा पानी को फ्रिज में रखते हैं, 5-6 दिन ठंडा होता है, फिर उसमें बर्फ डालते फिर पीते। तो अमरीकियों को एक बड़ी भारी समस्या है। उनकी समस्या क्या है? जब बहुत ठंडा पानी आप पेट में डालेंगे ना तो पानी पेट को गर्म, पानी पेट पानी को गर्म करेगा, तो पेट को पानी गर्म करने के लिए खून की जरूरत पड़ती है, तो सारे शरीर का खून पेट में आ जाता है पानी गर्म करने। तो हमारे पेट में एक लार्ज इंटेस्टाइन होती है, बड़ी आंत, बड़ी आंत का खून सबसे पहले आता है पानी गर्म करके। तो बड़ी आंत ऐसे होती है खुले हुए पाइप के जैसे, जब इसका खून निकल के पेट में आ जाता है तो ये बंद हो जाए, सिकुड़ जाए। तो अमेरिका में जो लोग बहुत ठंडा पानी पीते हैं ना, उनकी बड़ी आंत ऐसे बंद हो जाए, और ये जो बड़ी आंत है ना, इसी में से मल निकलता है, इसी में से चट्टी निकलती है, और ये अगर बंद हो गई। अभी की लोग बताए क्या करते हैं, सवेरे सवेरे संडास घर में जाते हैं, 2-2 घंटे बैठे क्योंकि उनके एक्टिविटी होता। पूछता हूँ कि तुम 2 घंटे क्या करते हो संडास? तो कहते हैं हम न्यूज पेपर पढ़ते हैं। मैं पूछता हूँ न्यूज पेपर क्यों पढ़ना? तो कहते हैं चट्टी नहीं उतरती, 2 घंटे इंतजार करना। और फिर वो लोग कहते हैं ना हमको बड़ा जोर लगाना पड़ता है, और पता है कुछ अमरीकी तो जब बहुत परेशान हो जाते हैं ना तो गाने गाते हैं, मेरे सपनों की रानी कभी है, और ज्यादा दुखी होते हैं ना तो दूसरा गाना गाते हैं, एक बार आ जाओ। अब मैं आप बच्चों से ये पूछना चाहता हूँ, तुम भी चाहते हो ऐसा हो? ठंडा पानी पियोगे? फ्रिज का पानी पियोगे? बर्फ का पानी कोई मुफ्त में पिलाएगा तो पियोगे? पक्का? हाथ उठाओ और कोई नहीं है, हाथ नीचे। अब ठंडा पानी तो पीना नहीं क्योंकि गड़बड़ो, एक भी कौर भी बहुत ठंडी है वो भी नहीं खाती, अच्छा ये बताओ आइसक्रीम ठंडी है कि गर्म? आइसक्रीम खाने से पहले सोच क्या समस्या आएगी, बड़ी आंख बंद हो जाएगी।
इसलिए आइसक्रीम नहीं खाना पक्का, और ये भी नहीं खाना कोई भी, वो भी कॉन्टेंट नहीं, और बोली भी ना बोतल का पानी पेप्सी कोला कोका कोला वो भी ठंडा होता क्यों, जब सर्दी आ जाएगी तो गुनगुना पानी, समझ गए, याद रहेगा। बस ये चार नियम का पालन जो भी करेगा जिंदगी भर निरोगी रहेगा। मैंने ये करके देखा 20 साल, इतना बढ़िया परिणाम आता है किसी भी चिकित्सा पद्धति में ये नहीं, ये सिर्फ भारत में है आयुर्वेद। और ये नियम पता है किसने बनाए, एक बहुत महान व्यक्ति हुए उनका नाम था महर्षि पाद भट्ट, उन्होंने बताया। एक थे महर्षि चरक, एक थे महर्षि शुक्र, एक हुए महर्षि पाद भट्ट, उनके बनाए हुए। और ऐसे 7,000 नियम मैंने आपको चार बताए, वैसे वो 7,000 भी बता सकता लेकिन उसमें 15-20 दिन लगता और रोज 6 घंटे बता, 15-20 दिन तक आते हैं पूरा, आपके पास इतना समय नहीं मेरे पास भी नहीं, तो इसलिए चार बताए। इस चार नियम के 3 उपनियम, उपनियम एक रूल एक सब रूल, वो भी बताना जरूरी है क्योंकि तो तब बात पूरी हो। आयुर्वेद कहता है कि बात पित्त का संतुलित रहे तो पानी खाने के 1.5 घंटे बाद पीना, पानी घूम घूम पीना, सुबह उठने पानी पीना और ठंडा पानी नहीं। इसके साथ 3 बातें और पालन करनी, बात कभी भी खराब ना हो इसके लिए तेल हमेशा शुद्ध खाना है। तेल कोई भी तेल खाओ आप, सरसों का तेल खाओ, तिल का तेल खाओ, नारियल का तेल खाओ, मूंगफली का तेल खाओ, शुद्ध तेल, शुद्ध तेल। अब शुद्ध तेल का मतलब क्या, बाजार में जो तेल मिलता है ना डब्बे में, ये शुद्ध नहीं, इसमें मिलावट। मिलावट क्या है, बाजार के सभी तेल में पामोलिन तेल मिला है, बिना पामोलिन तेल मिलाए कोई तेल बाजार में मिलता ही नहीं। और ये जो पामोलिन तेल है ये शरीर को हजम नहीं होता, क्योंकि पामोलिन तेल पे मैंने बहुत रिसर्च किया, इसको हजम होने के लिए शरीर का तापमान 42 डिग्री सेंटीग्रेड हो तब ये हजम होता, और शरीर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड इसलिए ये हजम ही नहीं होता। तो ये तेल खून में मिलता है और फैट बढ़ाना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाना और फिर हार्ट अटैक आता है, इसलिए बाजार का तेल बनता है शुद्ध तेल। का कहाँ से लाएंगे, अपनी सरसों लेके जाओ और किसी तेल मिल में से तेल निकलवा है, सोनगंज में कोई तेल नहीं है तो एक लगा दो, तेल की जो मशीन है ना निकालने वाली 50,000 रुपए में आती है, कौन बड़ा भारी खर्च है, आप उसमें 4-5 लोग मेरे के लगा सकते हैं, 10 फीट लंबा कमरा, 10 फीट चौड़ा कमरा, उतने में मशीन लग जाती है और वो मशीन हर तरह का तेल निकाल देती है, सरसों का, नारियल का, तिल का, सूरजमुखी का, मूंगफली का, सब तरह का तेल निकालती है, बाजार में मिलती है, एक लगवा लो, नहीं तो कोलू लगवा लो, तेल का कोलू होता था ना पहले, गाड़ी तेल घाणी, वो लगवा लो 100 फीट है, तो बस उसी से निकलवाओ ना तेल, उसके बाद जाता था आधी मिलावट करके देता हूँ, सामने निकलवाओ, सामने निकलवाओ, उसकी छाती पर खड़े होकर निकलवाओ, कैसे मिलावट करें, और नहीं तो आप लगा लो अपना एक घाणी लगा लो, तो या तो घाणी लगाओ नहीं तो तेल में शुद्ध तेल खाओ, तो बात कभी भी नहीं बिगड़ेगा। सोयाबीन मत खाना, मत खाना गलती से भी मत खाना। देखो मैं आपको एक बात कहता हूँ, भगवान की पूजा में जो चीज चढ़ाई नहीं जाती वो खाई नहीं जाती। सोयाबीन चढ़ाते हैं भगवान की पूजा में तो सोयाबीन खाया नहीं जाता। सोयाबीन इसलिए नहीं खाते कि इसका प्रोटीन पचता नहीं, सोयाबीन का प्रोटीन पचाने की ताकत सिर्फ सुअर में है और कोई नहीं पचा सकता, ये सुअर का भोजन है सोयाबीन।
ये मत खाओ। तिल का तेल खाओ, नारियल का खाओ, सरसों का खाओ, सूरजमुखी का खाओ, मूंगफली का खाओ, सब तेल खाओ, सोयाबीन मत। सोयाबीन का तेल भी खराब है, सोयाबीन भी खराब। फिर आप लोग मध्य प्रदेश में तो यही होती है, ये मध्य प्रदेश के एक मुख्यमंत्री के मूर्खता का दुष्परिणाम है। और आप कहूं तो नाम लेके बता अर्जुन से, उन्होंने एक मूर्खता की है और उसका दुष्परिणाम पूरा देश भुगत रहा है। ये सोयाबीन यूरोप से आया जब वो यहाँ मुख्यमंत्री थे और कुछ कंपनियों ने उनको लालच दिया। उसमें इतने केमिकल मिला देते हैं कि वो तेल ही नहीं रहता, केमिकल है। और रिफाइंड और डबल रिफाइंड का सारा धंधा अर्जुन सिंह के खानदान वालों पूरे पित्त का कभी भी रोग नहीं आएगा। तेल शुद्ध खाओ तो वात का रोग नहीं आए, घी शुद्ध खाओ तो पित्त का रोग नहीं आए, ठीक है। और तीसरी और आखिरी बात कि गुड़ खाना चीनी बंद कर दे। ये जो चीनी है ना, ये बहुत खतरनाक है। चीनी घर में से निकालो, गुड़ ले आओ, शहद खाओ, गुड़ खाओ, चीनी खाओ। चीनी सबसे ज्यादा रोग लगाने वाली एक वस्तु है जो कर। ये चीनी एक सरल उदाहरण से समझा, आप खाना खाओ और खाने के पीछे थोड़ा सा गुड़ खा, इतना सा, एक ग्राम। तो जितना खाना आपने खाया, ये एक ग्राम गुड़ उसको पचा देगा चार घंटे में ही। अब आप खाना खाओ और आधी चम्मच चीनी खा लो, तो ये आधी चम्मच चीनी उस खाने को आठ घंटे तक पचने नहीं देती, इतनी खतरनाक। और मैंने इसके जब एक्सपेरिमेंट किए तो मुझे पता चला कि एक ग्राम गुड़ आधा किलो खाने को पचा देता है, लेकिन आधी चम्मच चीनी को पचाने में आधा किलो खाना खर्च हो जाता, फिर भी पचती। इसलिए चीनी हटा दो। चीनी से अच्छा है गुड़, और गुड़ से भी अच्छा है शहद, लेकिन शहद सब लोग नहीं खाते, जैन लोग नहीं खाते, तो वो गुड़ खाए, शायद नहीं खा सकते। चीनी हटाओ, एक तो वैसे भी 50 रुपए किलो दिमाग खराब तो नहीं देखते, और दूसरा शरीर के लिए बिल्कुल काम के। चीनी में कोई भी प्रोटीन नहीं है, चीनी में कोई भी विटामिन नहीं है, ना विटामिन है ना प्रोटीन है, ना उसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, ना उसमें कोई मिनरल है, ना उसका कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट वैल्यू है। सबसे रद्दी चीज, किसी भी चीज में चीनी मत। हलवा बनाना है गुड़ का बना, खीर बनानी है गुड़ की बना, लड्डू बनाना है गुड़ का बना, कुछ भी बनाओ गुड़ का बना, और गुड़ की ही मिठाई लाया करो। गजब खानी है ना, गुड़ वाली खाओ, चीनी वाली कभी मत। और गुड़ जब लेके आना ना घर में, तो सफेद वाला मत लाना, ये सफेद गुड़ निर्मा वॉशिंग पाउडर से बनता है। काला काला जो गुड़ आता है, लाल लाल जो, वो शुद्ध गुड़, जिसमें केमिकल नहीं है। तो ये तीन काम करो, गुड़ शुद्ध करो, चीनी बंद करो, कफ की कोई बीमारी नहीं आई, घी शुद्ध कर दो, पित्त की कोई बीमारी नहीं आई, तेल शुद्ध कर दो, वात की बीमारी नहीं आएगी, जिंदगी भर सुखी रहो। ये काम है भारत स्वाभिमान का, और ये काम करने के लिए हमको चाहिए योग शिक्षक 13 लाख, 13 लाख 40 हजार। क्यों चाहिए? हर गांव में भेजना। ये छोटी छोटी बातें हैं ना, आपको लगता है कि बातें तो छोटी छोटी हैं, लेकिन हैं बहुत गहरी। ये लोगों को बताने, इनको बताने के लिए गांव गांव भेजना है। इसके लिए 13 लाख 40 हजार योग शिक्षक चाहिए। आप भी आ जाओ, आपको भी सिखाएंगे ये सब, आप भी गांव गांव जाके बताओ। हमारे योग शिक्षक के शिविर होते हैं, उसमें आप कभी भी आओ, और 7-8 दिन से लेकर 15-20 दिन के शिविर होते हैं।
आप उसमें शामिल हो सकते। तो आप पहले योग सीखो, प्राणायाम सीखो, योग साधक बनो, फिर हम आपको योग शिक्षक बनाएंगे, योग शिक्षक बना के गाँव गाँव भेजेंगे प्राणायाम सिखाने के लिए। और ये छोटी छोटी बात है, ये तो मैंने बिल्कुल थोड़ी सी बताई है, ऐसी बातें हजारों। और गाँव गाँव को अगर इन बातों का पता चले तो सब गाँव के लोग सुखी हो सकते हैं। और 7 लाख करोड़ रुपया जो फालतू बर्बाद हो गया इसे बचा सकते। ये अभियान है भारत का। इसी अभियान का एक दूसरा हिस्सा और, अब वो दूसरा हिस्सा बताना है। ये बच्चे चाहे तो घर चले जाए, आपकी छुट्टी हर दिन भूखे सोते हैं 37 करोड़ भारतवासियों के शरीर पर 2 कपड़े नहीं हैं। नीचे का शरीर ढका है तो ऊपर कपड़ा नहीं, ऊपर का ढका है तो नीचे। और मैंने ये गरीबी अपनी आंखों से देखी। मैं एक बार उड़ीसा गया था, कालाहांडी नाम का ही जिला, तो वहां मेरा व्याख्यान था। मैं गया व्याख्यान देने तो 3 लोग आए सुनने के लिए, एक मैं था, एक माइक लगाने वाला, एक दलित छात्र। तो मैंने उसको पूछा माइक वाले को किसको भाषण करूँ, कोई तो आया नहीं। उसने कहा मुझे भाषण करो, मैं सुन। मैं पूछा बाकी लोग को, उसने कहा बाकी सब घर में बैठ के सुन। मैं पूछा जो घर में सुन सकते हैं वो सामने भी आ सकते हैं। तो उसने कहा वो सामने इसलिए नहीं आ सकते कि उनके शरीर पर कपड़े नहीं। तब मैंने कहा मुझे उनके घर में ले चलो, तो वो ले गया मुझे। तो सरपंच के घर में मैंने जाके खटखट किया तो एक बिल्कुल टूटा फूटा झोपड़ी जैसा घर। जब खटखट किया तो सरपंच की पत्नी बाहर है, तो उसके शरीर पर ऊपर तो कोई कपड़ा नहीं, नीचे उसने फटा हुआ तौलिया लपेटा हुआ था, वो पूरा नहीं। फिर मैंने कहा आप अंदर जाओ, उसे पति को भेजो। तो जब पति उसका बाहर आया तो पति फटा हुआ तौलिया लपेट के आया, जिसको पत्नी लपेटते। इतनी गरीबी भारत में है, 37 करोड़ लोगों की ये गरीबी है। अब हमारे देश में समस्या ये गरीबी की इतनी भयंकर हो गई है कि अगर इसको हम ठीक नहीं करेंगे तो भारत देश को महान नहीं हो सकता। अब बहुत लोगों के मन में ये सवाल आता है कि ये गरीबी इतनी क्यों है। मेरे मन में भी आता है क्योंकि हम भारत सरकार को गरीबी दूर करने के लिए ही टैक्स देते हैं। हर साल हर भारतवासी केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को कुल मिलाकर 20 लाख करोड़ का टैक्स देता है। सब भारतवासी, हम उनको इनकम टैक्स देते हैं, हम उनको कॉर्पोरेट टैक्स देते हैं, सेंट्रल एक्साइज का टैक्स देते हैं, रोड टैक्स देते हैं, टोल टैक्स देते हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का टैक्स देते हैं, ऑफशोर टैक्स देते हैं, एंट्री टैक्स देते हैं, एक्सिट टैक्स देते हैं, सब तरह के टैक्स मिलाकर हम 20 लाख करोड़ रुपए सरकार को दे देते हैं। क्या करने के लिए? गरीबी दूर करने। और गरीबी है कि बढ़ती ही जाती, कम नहीं। जब हम आजाद हुए तब हमारे देश में 4 करोड़ लोग गरीब थे 1947, अब हमारे देश में 84 करोड़ गरीब है। और गरीबी दूर करने के लिए 17 साल पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शासन चलाया लेकिन गरीबी नहीं दूर हुई। 14 साल श्रीमती इंदिरा गांधी ने शासन चलाया और उनका नारा था गरीबी हटाओ तो भी गरीबी नहीं हटी। 5 साल राजीव गांधी ने चलाया, फिर 5 साल नरसिम्हा राव ने चलाया, 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी ने चलाया, इंद्र कुमार गुजराल ने 2 साल चलाया, देवगौड़ा ने 18 महीने चलाया और मनमोहन सिंह को 8 साल होने जा रहे हैं। ये सब प्रधानमंत्री रात दिन लगे हैं गरीबी हटाने में लेकिन गरीबी हटी नहीं। चक्कर क्या है? मामला ये है कि गरीबी हटाने के लिए आप जो टैक्स देते हो इस टैक्स में से ये सारे नेता पैसा खाए।
राजीव गांधी का बेटा राहुल गांधी है, उसने एक ट्वीट कहा लोकसभा में कि मेरे पिताजी के जमाने में 1 रुपए में से 5 पैसा गरीबों को मिलता था, अब मेरे जमाने में 1 रुपए में से 8 पैसा ही मिलता है, बैंक में पैसा लूटता है। कौन लूटता है? नेता लूटते हैं, अधिकारी लूटते हैं, कर्मचारी लूटते हैं, 3 स्तर पर पैसा लूटता है। नेता कैसे लूटते हैं, एक उदाहरण बताता हूं। मधु कोड़ा नाम का एक नेता है झारखंड, 2 साल वो मुख्यमंत्री कर हुआ झारखंड का, और झारखंड भारत का बहुत गरीब राज्य, सबसे गरीब राज्य, वहां 2 साल जो मुख्यमंत्री रह लिया और 2 साल में उसने 500 करोड़ लूट सकता है, तो सबसे अमीर राज्य में 10 साल जो मुख्यमंत्री रह लिए उन्होंने 50,000 करोड़ को लूट रहे हो। इसलिए गुस्सा आता है मुझे भारत के नेता अर्जुन सिंह उन्हीं में से एक, दो में 80,000, कोई 10 साल मुख्यमंत्री रहा, कोई 10 साल प्रधानमंत्री रहा, कोई 10 साल गृह मंत्री रहा, कोई 10 साल वाणिज्य मंत्री रहा, कोई 10 साल राज्यपाल रहा, ऐसे 80,000 लोग सब लूट के खाते और 1 साल में कितना लूटते हैं। राजीव गांधी खुद कहते थे कि 20 लाख करोड़ का जो टैक्स आता है इसमें से 17 लाख करोड़ लूटते हैं। हमारी नेता लाखों लोगों की संपत्ति बेचते हैं और हमने नेताओं के बारे में बहुत जानकारी इकट्ठी की है तो पता चला 20-25 साल पहले इन नेताओं के घर में कुछ नहीं था, उनकी साइकिल नहीं थी और आज उनकी संपत्ति 1,000 करोड़। तो अगर इन नेताओं को और अधिकारियों को ऐसे ही लूटने देंगे तो सारा देश को खत्म हो जाएगा, क्योंकि अंग्रेजों ने लूटा इस देश को 250 साल, अंग्रेजों से पहले पुर्तगालियों ने लूटा इस देश को, पुर्तगालियों से पहले फ्रांसीसियों ने लूटा, उसके पहले मुगलों ने लूटा और 1,000 साल से ये लूट ही रहा और ऐसे ही आगे लूटेगा तो फिर क्या होगा? गरीबी और बढ़ेगी, बेकारी और बढ़ेगी, भुखमरी और बढ़ेगी, किसानों को तकलीफें और ज्यादा होंगी, जब किसानों के विकास का पैसा किसानों को नहीं मिलेगा तो तकलीफ होगी। तो हम लोगों ने एक संकल्प लिया, संकल्प तो थोड़ा तकलीफ वाला है लेकिन ले लिया, और वो संकल्प ये लिया है कि ये जो भ्रष्टाचार और लूटखोरी है इसको बंद करना पूरे देश। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? 80,000 नेताओं से टक्कर लेनी पड़ेगी जो लूट रहे हैं। तो हमने तय कर लिया कि टक्कर लेंगे और वो टक्कर लेने के लिए हमने संगठन बनाया अपना जिसका नाम है भारत स्वागत। आप बोलेंगे क्या करना है? दो काम करना। पहला काम ये करना है कि जो लूटा हुआ पैसा इन्होंने विदेशी बैंकों में रख दिया उसको वापस लाने और उस पैसे से गरीबों की गरीबी मिटाना, बेरोजगारी खत्म, भुखमरी खत्म। आपके मन में एक सवाल आएगा कि जो पैसा नेताओं में लूटा क्या वो वापस आ सकता है? क्या है, किसके खाते हैं, कितने खाते हैं, कितना पैसा, वो जानकारी लेके सब सुप्रीम कोर्ट में देंगे। 6 महीने का समय दिया है सुप्रीम कोर्ट, 6 महीने में जानकारी दो तो सरकार हो सकता है 6 महीने में बताए, हो सकता है ना भी बताए, वो कहेंगे और 6 बहस जब होगी तो ये टीवी पर आएगी लाइव, क्योंकि ऐसी जो गंभीर बहस होती है ना लाइव टेलीकास्ट में तो आप टीवी खोल के देखना आपका सांसद क्या है, आपका भी कोई सांसद है ना उसको देखना विरोध कर रहा है या समर्थन कर रहा है, समर्थन कर रहा है तो ईमानदार है, विरोध कर रहा है तो बेईमानदार है। हमारी भी तैयारी क्या है कि जो जो सांसद विरोध करेंगे इनके हम फोटो खींचने वाले हैं, लोकसभा टीवी से ही निकालेंगे, अपना कैमरा में भेजने की हमें जरूरत है और इन सांसदों के खिलाफ पूरे देश में अभियान चलाएंगे।
उन सांसदों की पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी हमने निकाल ली। ये राजदीन में कब आया, राजदीन में आने के पहले क्या करता था, कोई सब्जी बेचता था, कोई टिकट बुक करता था सिनेमा में, कोई जो है गुंडागर्दी करता था, कोई किसी की जेब काटता था, कोई जेब कतरा था, ऐसे ही है हमारे ज्यादातर सांसद। 170 सांसद ऐसे हैं जिनको सांसद कहने में शर्म आती है। जेब कतरे, बलात्कारी, हत्या, मार देने वाले, मर्डर कर रखे, ऐसे लोग सांसद। तो इनकी सारी हिस्ट्री निकाल रखी है और हिस्ट्री में ये भी निकाला है कि 20-25 साल पहले ये आदमी जब राजनीति में आया तो इसके पास पैसे कितने थे, घर में खाने को था कि नहीं था, साइकिल थी कि नहीं थी, कार थी कि नहीं थी, इसके पास अपना घर था और आज इसके पास क्या क्या है, वो सब हमने तैयारी कर रखी। और एक ही में 80,000, उसमें बीजेपी के भी है, कांग्रेस के भी है, जनता दल के भी है, समाजवादी पार्टी के भी है, बहुजन समाज पार्टी के भी है, सबके। तो अगर ये विरोध करेंगे तो हमारा फिर अगला अभियान चलेगा, हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे, फिर नए लोग चुनकर आएंगे और जो नए लोग चुनकर आएंगे वो संसद में जाकर कानून बनाएंगे और वो कानून एक मिनट में बनेगा कि विदेशी बैंकों में जितना काला धन है वो राष्ट्र की संपत्ति। और हमने 2014 का संकल्प लिया कि 2014 में लोकसभा का चुनाव आएगा, उस चुनाव में हम लोगों के बीच जाएंगे और ये सब बात करते और लोगों के सामने ये हम कहने वाले हैं कि आपके सामने है, आप तय करो, इनको दोबारा चुनकर भेजोगे या नए लोगों को चुनकर भेजोगे। लोग तो अभी कहते हैं कि हमको ईमानदार लोग दे दो, हम चुनकर भेजेंगे। तो उन ईमानदार लोगों की खोज पूरे देश में से भारत स्वाभिमान कर रहा है और उन ईमानदार लोगों को इकट्ठा करने का काम हम कर रहे हैं। और ऐसा मानना है पूरे देश में हमारा कि ईमानदार लोग अभी खत्म नहीं हो गए, अभी भी जिंदा है, बस उनको घर में से निकालने की जरूरत है। अभी माहौल खराब है तो बेईमान लोग सब बाहर निकले हुए हैं, ईमानदार लोग घरों में बैठे हुए हैं। हमें माहौल बदलना है, ईमानदारों को घरों से बाहर करना है। वो किसान हो सकते हैं, वो मजदूर हो सकते हैं, वो कारीगर हो सकते हैं, वो अध्यापक हो सकते हैं, वो इंजीनियर हो सकते हैं, वो डॉक्टर हो सकते हैं, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं, वो एडवोकेट हो सकते हैं, कोई भी हो, हमें उनको निकालना है बाहर। और हमारा ये हिसाब है कि देश में 99% लोग अभी भी ईमानदार हैं, सिर्फ 1% बेईमान। 1.5-2 करोड़ लोग हैं जो बेईमानी में डूबे हैं, सारा देश बेईमान नहीं, सारा देश को मजबूरी में अपना जीवन बिता है। तो ईमानदारों को अगर हमने इकट्ठा कर दिया तो बेईमानों की ताकत क्या, बेईमानों की ताकत तब तक है जब तक बेईमान लोग एकत्रित हैं संगठित। जिस दिन ईमानदार लोग संगठित हो जाएंगे बेईमानों की तो घर में घुसने को जगह नहीं होगी। ये हम अगले 4 साल में करते हैं और ये 4 साल में करके संसद से कानून बनवाने वाले हैं और 258 लाख करोड़। इस 258 लाख करोड़ को वापस लाने का और एक रास्ता है। अमेरिका नाम के देश ने अभी एक कानून बनाया, बराक ओबामा राष्ट्रपति जब बना तो उसने अपनी संसद में यही प्रस्ताव पारित कराया कि अमेरिका में जितने घोटाले हुए पिछले 250 साल, उन घोटालों में जितना पैसा विदेशों में चला गया वो अमेरिका की राष्ट्रीय संपत्ति, और ये कानून उसने पास कराया। और कानून पास होते ही 21 दिन में अमेरिका को 780 अरब डॉलर मिला स्विस बैंक से। अमेरिका को 780 अरब डॉलर मिला, हमारा तो 1500 अरब डॉलर। और जब बराक ओबामा ने ये काम किया ना उसी समय हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका गए हुए थे, तो बराक ओबामा ने अपने प्रधानमंत्री को कहा बोलो आपका भी पैसा दिलवाऊं, तो अपने प्रधानमंत्री की जान सूख, क्योंकि प्रधानमंत्री का हाल इतना खराब कि कैसे कहें हाँ।
हाँ कहें तो सरकार मिलती है क्योंकि उन्हीं के लोग हैं जिनका पैसा, ना कहें तो बेइज्जती होती है। तो बराक ओबामा से उन्होंने बात पलटने की कोशिश की। बराक ओबामा ने कहा सीधे बात क्यों नहीं कर दिया, आपका पैसा दिल को हूं मैं, मैंने मेरा ले लिया, आपका भी दिलवा सकता। प्रधानमंत्री चुपचाप चले। उसके बाद बराक ओबामा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं भारत की इज्जत करता हूँ, सम्मान करता हूँ, इसलिए भारत का जितना ब्लैक मनी है वो मैं वापस दिलवाना चाहता हूँ, क्योंकि भारत महान देश है, महात्मा गांधी का देश, महात्मा गांधी को बहुत मान करता है। उसके पूरे ऑफिस में एक ही फोटो है महात्मा गांधी की और किसी की फोटो, तो कहता है मेरे गुरु है महात्मा, महात्मा गांधी के देश में तो मुझे मदद करनी, तो बराक ओबामा मदद करने को। और बराक ओबामा अकेला नहीं है, दुनिया के कई देश और इस मामले में इकट्ठे हो रहे हैं, और वो भी कह रहे हैं कि सारे दुनिया के देशों में जहां जहां ये ब्लैक मनी की बैंकें हैं सबको बंद करो। तो यूनाइटेड नेशन में इसके लिए प्रस्ताव आया, थोड़े दिन में वो यूएन में प्रस्ताव पास होगा और उसके बाद ये सब बैंकें धड़ाधड़ बंद होंगी, तो पैसे कहां जाएंगे, हर एक देश के पैसे वापस आएंगे। अब ये पैसे वापस आएंगे तो इससे आप विकास का काम कर सकते, और मेरा ये मानना है कि अगर अमेरिका अपने पैसे ले सकता तो हम भी ले सकते, बस अंतर इतना है कि अमेरिका को एक बराक ओबामा मिल गया, भारत को मिल जाएगा, बराक ओबामा हमारे यहाँ भी कोई हो जाएगा जिसको देश मदद करे और फिर वो कर दे इसका काम। बराक ओबामा को सबसे ज्यादा वोट मिले वो इसी मुद्दे पर, काले लोगों ने भी वोट दिया, गोरे लोगों ने भी वोट दिया, क्योंकि अमेरिका के लोग भी भ्रष्टाचार से बहुत परेशान है, जैसे हम परेशान है वैसे वो भी परेशान। एक काला आदमी गोरे लोगों के देश में राष्ट्रपति बन जाए तो हैरान करने वाली बात, वो इसलिए राष्ट्रपति बना कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उसकी लड़ने का संकल्प, तो हम भी करेंगे संकल्प और हम भी ये पा सकते हैं। हमारे देश में एक बहुत बड़े नेता हुए थे जयप्रकाश नारायण, 1977 में उन्होंने ऐसा ही एक आंदोलन किया, उस आंदोलन में 377 सांसद जीत के आए थे, मालूम इंदिरा गांधी की जमानत जब्त हो गई और दो जगह से हुई, इंदिरा गांधी जो सबसे ताकतवर थी इस देश में उनकी दो जगह से जमानत जब्त हुई और 377 सांसद जीत के आए। तो अगर जेपी ये काम कर सकते हैं तो परम पूज्य स्वामी रामदेव जी भी कर सकते हैं। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि जेपी ये काम कर पाए उससे जल्दी स्वामी जी कर सकते, क्योंकि स्वामी जी सन्यासी हैं, जेपी तो गृहस्थ थे, आपको तो मालूम उन्होंने तो विवाह किया था, वो तो गृहस्थ थे। कोई गृहस्थ आदमी को भारत के लोग अगर 377 सांसद चुनकर दे सकते हैं तो सन्यासी को क्यों नहीं देंगे, सन्यासी का तो अपना कुछ नहीं होता, उसका तो सब कुछ देश के लिए। तो इसी काम के लिए हमने भारत स्वाभिमान का संगठन बनाया और 4 साल में हम 5 करोड़ लोगों को मेंबर बनाने वाले इस संगठन का, और 5 करोड़ अगर मेंबर हमारे हो गए बहुत आसानी से होने वाला है। 13,40,000 योग शिक्षक हैं और एक योग शिक्षक 100 मेंबर बना दे और वो 100 लोग और 100 लोगों को मेंबर बना दे तो हमारे पास आराम से 50 करोड़ मेंबर होंगे, और ये मेंबर हमारी ताकत है। हमने पूरे देश का हिसाब निकाला है कि 50 करोड़ अगर मेंबर हमारे पास हैं देश के तो संसद की 450 सीटें हमारी होंगी, इससे कम नहीं, और 450 सीटें अगर संसद की आपके पास है आप तो चाहे देश का कोई काम कर सकते, संविधान बदल सकते, कानून बदल सकते, नियम बदल सकते, इतनी मेजोरिटी है। 450 सीटें संसद में होने का मतलब है भारत के 30 राज्यों में भारत स्वाभिमान की सरकार, ये संकल्प से हम आगे बढ़ रहे हैं और इस संकल्प में बहुत लोग जोड़ रहे। हमें तो हैरानी है कि एक साल में हमारा ग्रोथ इतना है जितना किसी मल्टीनेशनल का,
और स्वामी जी अब तो खुद जा रहे हैं एक एक जिले में, तीन तीन दिन रहने वाले हैं एक एक जिले में, लोगों का हुजूम बन रहा है। तो ये सब लोग माही के साथ में तो ये काम होगा, और 258 लाख करोड़ आ गया तो इसमें से सबसे पहले 50 लाख करोड़ खर्च करना है गाँव के लिए, गाँव को रोजगार देना है, गाँव में उद्योग लगाना है। गाँव में अभी उद्योग नहीं, हर गाँव में 100 उद्योग लगाए हैं। और क्या उद्योग हो सकते हैं, जैसे गांव में 4 लाख गांव में कपास होती है, जहां कपास होती है वहां खादी बन सकती है, 4 लाख गांव में खादी बनाने का उपयोग। भारत में लगभग 3 लाख गांव में सरसों होती है, जहां सरसों होती है वहां तेल उपयोग हर गाँव। भारत में 3.5 लाख गांव में गेहूं होता है, तो गेहूं का आटा बनाने का उपयोग, क्योंकि गेहूं तो कोई खाता नहीं, आटा खाते हैं, गेहूं को 11 रुपए किलो मिलता, आटा को 26 रुपए किलो मिलता। फिर भारत में 3 लाख गाँव में आम पैदा होता है, जहाँ आम होता है वहाँ आम का अचार, आम का बड़ी, आम का पापड़, आम का मुरब्बा और आम की मिठाइयाँ और मैंगो फ्रूटी और मैंगो जूस, ये सब गाँव गाँव में बना। 1 लाख गाँव में आलू होता है, तो आलू का चिप्स बनाने का उपयोग। 1 लाख गाँव में टमाटर होता है, टमाटर सॉस बनाने का उपयोग। ऐसे 100 उद्योग हर गाँव में लगाए, इन उद्योगों में 65 करोड़ लोगों को काम मिलेगा, और ये उद्योग लगाने में 10 लाख करोड़ का खर्च है, और अपने पास 258 लाख करोड़ है, तो 10 लाख करोड़ के खर्चे में हो जाए। फिर हर गांव को बिजली देनी है 24 घंटे, उसमें 4 लाख करोड़ खर्च होगा। हर गांव को सड़क देनी है, 7 लाख करोड़ खर्च होगा। हर गांव को शिक्षा देनी है, करीब 8 लाख करोड़ खर्च होगा। हर गाँव के किसान के खेत को पानी देना है, उसमें 10 लाख करोड़ खर्च होगा। कुल 50 लाख करोड़ का खर्च करें तो हर गांव इस देश में सुखी और समृद्धशाली होगी, और 50 लाख करोड़ खर्च करेंगे तो भी 208 लाख करोड़ बचे, 208 लाख करोड़ बचेगा उसको बैंक में जमा कर दें फिक्स डिपॉजिट में, तो उसका साल का ब्याज 20 लाख करोड़ है, और वो 20 लाख करोड़ का जो ब्याज अगर साल का हमको मिलता है तो किसी से टैक्स लेने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सारे टैक्स हम खत्म कर देंगे। और सबसे पहले हम इनकम टैक्स खत्म करेंगे, क्योंकि जो इनकम टैक्स है ना, ये काला धन पैदा कराता है। ये कैसे कराता है, 100 रुपए आपने कमाए, इसमें से 30 रुपए सरकार को अगर आपने इनकम टैक्स में दिए तो 70 रुपए व्हाइट है, और नहीं दिए तो 100 रुपए ब्लैक। अगर ये कानून हटा दो तो पूरा का पूरा 100 रुपए ब्लैक कुछ नहीं। और इस इनकम टैक्स के कानून की मदद से जितना टैक्स इकट्ठा होता है उससे कई गुना ज्यादा ब्लैक मनी पैदा होता है। हमने हिसाब निकाला तो इनकम टैक्स तो आता है 3-3.5 लाख करोड़ का, ब्लैक मनी पैदा हो जाता है 50-55 लाख करोड़, क्योंकि हर आदमी टैक्स चोरी करता है तो आमदनी छुपाता है, और जितनी छुपी हुई आमदनी है वो सब ब्लैक मनी। तो हम क्या करना चाहते हैं कि ये कानून हटा दो इनकम टैक्स का, और ये कानून अंग्रेजों का बनाया हुआ है 1860 का। अंग्रेजों ने ये कानून बनाया था भारत से पैसे लूटने के, अब वो कानून हमें लगाने की जरूरत है, और इनकम पर टैक्स नहीं करना चाहिए कभी भी किसी देश को, क्योंकि इनकम पर टैक्स करोगे तो इनकम कम होती जाएगी। टैक्स करो तो एक्सपेंडिचर पे करो, खर्चे पे टैक्स करो, ताकि लोग खर्चा कम से कम करें, आमदनी ज्यादा से ज्यादा, खर्चा कम से कम हो, आमदनी ज्यादा से ज्यादा और खर्चा कम से कम, माने आमदनी बचाए हो बचत के रूप में, और आमदनी बचाएंगे बचत के रूप में तो बैंक में जाएगी, बैंक में मेरे जैसे लोग कर्ज लेंगे, कारखाने लगाएंगे, उद्योग चलाएंगे, तो लोगों को ज्यादा रोजगार करेंगे, तो इनकम से टैक्स करना, तो ब्लैक मनी खत्म। ब्लैक मनी खत्म होते ही सारा पैसा आ जाएगा, क्योंकि ये पैसा गया ही इसलिए है कि ब्लैक है। ब्लैक मनी खत्म कर दो सब आ जाएगा, और जिन बैंकों में ये पैसा है ना, उन बैंकों में खुद वो लोग परेशान है पैसा रखने वाले, क्योंकि बैंक ब्याज नहीं देते, उल्टा सर्विस चार्ज लेते हैं। वो कहते हैं आप तो इनकम टैक्स पहले हटा दो, हम तो सारा पैसा ले जाएंगे, भारत की बैंकों में रखेंगे, कम से कम ब्याज तो मिलेगा 5-6%, वहां तो उल्टा सर्विस चार्ज देगा।
ये वो लोग मुझे कहते हैं जिनके विदेशी बैंकों में काम है, और वो मुझे कहते हैं हमारा नाम मत करो लोगों को, लेकिन हम ईमानदारी से बहुत दुखी हैं, क्योंकि जिन बैंकों में हमने पैसे रखे हैं वहां हमें एक पैसा भी ध्यान नहीं मिलता। आप तो इनकम टैक्स हटा दो, हम अपने आप सारा पैसा ले आएंगे, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और सारा पैसा ला के भारत की बैंकों में रख देंगे, फिर वो सरकार की मदद करें बैंक और लोगों की मदद करें, पैसे को बांटे कर्ज में, कारखाने लगे, व्यापार चले, उद्योग बने, तो देश में 258 लाख करोड़ रुपए आ सकता है बिजनेस, और 50 लाख करोड़ के खर्चे में गांव सुधर जाएंगे, और हर साल 20 लाख करोड़ का ब्याज मिले तो देश अनंत काम तक चलेगा बिना टैक्स के। हम तो सेंट्रल एक्साइज भी हटाना चाहते हैं, क्योंकि सेंट्रल एक्साइज के कारण क्या होता है ना, उत्पादन की चोरी होती है। कोई आदमी 100 करोड़ का उत्पादन करता है, टैक्स चोरी करने के लिए 10 करोड़ का देता है, तो उत्पादन भी ब्लैक में चला जाता है। फिर सेंट्रल सेल्स टैक्स भी हटाना चाहते हैं, क्योंकि इससे व्यापार की चोरी होती है, तो व्यापार की चोरी बंद करानी है, उत्पादन की बंद करानी है, आमदनी की, तीनों चोरियां बंद हो गई तो लोग तो ऐसे ही ईमानदार होते। तो देश चलाने के लिए भी पैसे हैं अपने पास, और लोगों को ईमान हो गए पिछले 63 साल में किसी ने क्यों नहीं किया ये काम। बात इतनी सी है कि पिछले 63 साल में कोई सन्यासी नहीं निकला इस देश में, नहीं तो हो जाता। अब पैदा हो रहा है एक सन्यासी जो ये करना चाहता है, और ऐसे काम सन्यासियों के ही बस में होते हैं करना, क्योंकि सन्यासी को मोह नहीं होता। मोह क्यों नहीं होता? उसका कुछ है ना, परिवार ना बीवी ना बच्चे ना रिश्तेदार, तो मोह क्यों होगा? और जिसको मोह नहीं होता वही साहसी होता है, निडर होता। मोह में फंसने के बाद तो आदमी कमजोर होते। आपने वो श्री कृष्ण भगवान की युक्ति सुनी है, मोह से कहां कहां जाके आदमी फंसता है। तो हो रहा है तो कृष्ण कहते हैं मोह मत कर, ये मोह सबसे खतरनाक, तू कर्म कर और धर्म के रास्ते पर। तो कर्म करना धर्म के रास्ते पे चलना ये सन्यासी के बस का है। 63 साल में कोई सन्यासी पैदा होता तो कर देता, नहीं हुआ इसलिए नहीं हो पाया। अब सन्यासी आ गया, शायद भगवान ने देखा, वो सन्यासी तो लगा हुआ था योग प्राणायाम सिखाने में, अब उस सन्यासी को ये धुन सवार हुई है, काला धन वापस ला, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी को, टैक्स सिस्टम को कर, शायद भगवान ने ये प्रेरणा दी है। पर ना ये काम सन्यासी के थोड़ी है, तो अर्थशास्त्रियों के काम, प्राणायाम का परिणाम, ये भी है प्राणायाम का परिणाम। और शायद मैं तो और एक दूसरी बात कहता हूँ कि इस सन्यासी में कोई महान क्रांतिकारी की आत्मा ने प्रवेश किया, हो सकता है कि उनमें भगत सिंह की आत्मा हो, चंद्रशेखर आजाद की हो, आशफाक उल्लाह की हो, सत्यन टोपे की हो, नाना साहब पेशवा की हो, वासुदेव बलवंत फड़के की हो, कोई तो ऐसी क्रांतिकारी आत्मा है। और उस सन्यासी के आसपास जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं ये भी सब क्रांतिकारियों की ही आत्मा है जो ये शरीर धारण करके है, वरना इतने लोग क्यों इकट्ठे हो? एक जब शिविर होता हजारों लोगों की भीड़ आती है। आप मुझे ये बताओ कि योग और प्राणायाम को परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी से पहले बहुत लोग सिखा रहे थे, सिखा रहे थे लेकिन उनके यहाँ लोग नहीं जा रहे थे। स्वामी रामदेव जी ने ऐसा कहा है कि वही जाते सब लोग योग प्राणायाम सीख, कुछ खास बात वरना योग प्राणायाम सिखाने वाले तो सैकड़ों लोग। मैं जानता हूँ वीकेएस आयंगर नाम के एक व्यक्ति 40 साल से सिखा रहे योग प्राणायाम, 10 आदमी नहीं जाते उनकी क्लास। और स्वामी जी कहीं किसी शहर में योग प्राणायाम का शिविर ले ले तो जगह छोटी पड़ जाती। तो ये कोई महान आत्मा किसी शरीर में जब आती है ना तो उसका आकर्षण होता है। नाना साहब पेशवा ने 1857 में इतना बड़ा संगठन खड़ा किया था, 732,780 क्रांति वीरों का, कोई महान आत्मा थी इसमें। तो ये महान आत्मा का एक सन्यासी मिल गया इस देश को और ये करा देगा ये काम, आप सब उसके साथ जुड़ जाओ तो हो जाने वाला।
और हमारी योजना बड़ी दूर की है। एक तो योजना है देश की गरीबी भूखमरी बेकारी खत्म करनी, दूसरी योजना है महंगाई खत्म करनी। महंगाई खत्म होगी टैक्स खत्म होने के बाद। अब सारे टैक्स खत्म कर दो, महंगाई एकदम नीचे। मैंने हिसाब निकाला कि सारे टैक्स अगर खत्म कर दें तो 1 लीटर पेट्रोल मिलेगा 12 रुपए, 1 लीटर डीजल मिलेगा 7.80 रुपए, 1 रसोई गैस का सिलेंडर मिलेगा 40 रुपए। आपके बेटे को अगर इंजीनियर बनाना हो और IIT में पढ़ना हो तो 5 साल की पढ़ाई 50,000 में होगी, जो अभी 5 लाख में है। आपके बेटे को MBBS MD डॉक्टर बनाना हो, अभी 20 लाख में खर्च होता है, 2 लाख में हो जाएगा टैक्स खत्म। अमेरिका जाना और अमेरिका से वापस आना 7,500 रुपये में हो जाएगा, जो अभी 77,000 में। सारी टैक्स खत्म हो जाए तो 12 रुपये किलो का नमक 25 पैसे किलो मिल जाएगा। सारी टैक्स खत्म हो जाए तो 100 रुपये किलो की दाल 20-22 रुपये किलो मिल जाए। टैक्स खत्म होते ही महंगाई, महंगाई खत्म तो गरीब से गरीब आदमी आराम से जीवन देता है, और बेरोजगारी और गरीबी खत्म तो समाज के पास काम होगा, कोई धोखा नहीं मिलेगा। और उसके बाद चिकित्सा की सुविधा हर गाँव में उपलब्ध करानी है, उसके लिए लोग शिक्षक हमारे तैयार हो जाए, गाँव गाँव जाएंगे लोगों को सिखाए, तो सब निरोगी भी हो गए, सबकी गरीबी भी खत्म, बेरोजगारी भी खत्म, महंगाई भी खत्म, फिर भ्रष्टाचार खत्म, अगर काला धन हमने खत्म कर दिया तो ब्लैक मनी खत्म होते ही करप्शन खत्म होगा, क्योंकि कोई किसी को घूस दे ही नहीं सकता। जब मनी ब्लैक होता है ना तो रिश्वत दी जाती है, ली जाती है, जब मनी वाइट है तो कोई रिश्वत देगा नहीं लेगा। तो सारी समस्याओं का समाधान भारत स्वामी। अब इसमें आपकी थोड़ी मदद चाहिए, आप क्या मदद करें, हमारे मेंबर होते हैं, क्योंकि हमें लड़ाई लड़नी है उन भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ जो अभी संगठित हैं। हमें पार्टियों से दुश्मनी नहीं, हमें पार्टियों में भ्रष्ट जो नेता है उनसे दुश्मन है। सभी पार्टियों में भ्रष्ट नेता है और सभी पार्टियों में अच्छे भी। हमारा ये कहना है कि जो जो अच्छे नेता सब पार्टियों में, वो सब साथ में आए भ्रष्ट लोगों को किनारे से, और होना शुरू हुआ है। आप इसमें थोड़ी मदद कर देंगे तो जल्दी होगा, ये काम तो होगा, आप आ जाओगे जल्दी होगा, जल्दी 5 करोड़ मेंबर हो जाए, जल्दी 50 करोड़ का समर्थन मिल जाए, जल्दी हो जाए तो देश का नुकसान कम होगा। आप नहीं आओगे तो होगा तो सही, देश में होगा तो थोड़ा नुकसान जाएगा, तो आप खुद मेंबर बनो और 10-10 लोगों को मेंबर बनने के लिए प्रेरित। मेंबर बनने के लिए एक फॉर्म हमने बनाया भारत स्वास्थ्य, वो आप ले लो, हमारे जो प्रभारी हैं यहाँ पर इनसे ले लो फॉर्म, और वो फॉर्म भर के दे दो, नाम पता खोलना। फॉर्म जब आप जमा करोगे तो आपसे कुछ दान चाहिए, 51 रुपए गांव में रहने वाले से दान चाहिए, 11 रुपए, तो गांव वाले किसानों से 11 रुपए, शहर वाले नागरिकों से। और जो दान आप करोगे उसकी रसीद ले लो, बिना रसीद के दान ना करो। हमने नियम बनाया बिना रसीद के 1 रुपए भी दान नहीं लेंगे किसी, तो रसीद लेके दान देना, और आप दूसरों को थोड़ा प्रेरित कर देना। हमने ये सोचा है हर जिले में 11 लाख हमें मेंबर बनाने हैं, भारत में 680 जिले हैं तो करीब 68 करोड़ लोग मिल जाएंगे इस समय, और इतनी संख्या में तो 11 लाख का लक्ष्य है। इसके लिए बात मत कर दो, और बूंद बूंद से भरा पड़ता, एक आप मदद करो, एक दूसरा, एक तीसरा, ऐसे बूंद बूंद से भरा भर जाएगा और जल्दी ये काम हो जाएगा। और इस काम में आप आ जाओगे तो यश आपको ही मिलेगा, क्योंकि ये जो सन्यासी होता है ना, ये यश भी नहीं है, क्योंकि उसको भी कुछ चाहिए ही ना, सत्ता ना सिंहासन, ये अगर मुझे स्वामी जी ने खुद घोषणा की है, मुझे सत्ता नहीं चाहिए सिंहासन नहीं चाहिए, लेकिन सत्ता और सिंहासन पर बैठने वाले लोग सही है, वो हमारा उद्देश्य।
तो हम सब लगे और इस काम को करें, क्योंकि ये देश का काम है, हमारे अकेले का नहीं है। सब मिलकर करेंगे तो गलती होगा और सारी दुनिया देखेगी। और इस काम का अंतिम परिणाम हमें पता है क्या करना है, कि विदेशी बैंकों से 2.5 लाख करोड़ लाना है। थोड़े दिन के बाद अंग्रेजों ने जो पैसा लूटा है हमसे वो भी वापस। अंग्रेजों ने 250 साल में करीब 300 लाख करोड़ रुपए लूटा हमारे देश से, वो भी वापस। उसके लिए अंतरराष्ट्रीय अदालत में एक मुकदमा लड़ना है अंग्रेजों के खिलाफ, और उस मुकदमे की तैयारी हम कर रहे हैं। अभी हमने 20,000 से ज्यादा प्रमाण इकट्ठे किए हैं अंग्रेजों ने जो लूटा है यहाँ से। उसकी उन्होंने यहाँ से कोहिनूर हीरा लूटा, आपको मालूम है। कोहिनूर के अलावा 4,500 से ज्यादा और हीरे यहाँ से, सोने के सिक्के लूटे, चांदी के सिक्के लूटे, सोने की तलवारें लूटी। महाराजा रणजीत सिंह का सोने का सिंहासन होता था, वो उन्होंने लूटा। सोमनाथ मंदिर का सोने का दरवाजा था, वो उन्होंने लूटा। ये सब उनकी संपत्ति के प्रमाण हमने इकट्ठे कर, और इसमें से काफी संपत्ति अभी भी लंदन में रखी हुई है, उनके फोटोग्राफ हमारे पास। हमें तो सिर्फ अंतरराष्ट्रीय अदालत में प्रमाण प्रस्तुत करना है, मुकदमा हम आसानी से जीतेंगे। और वो मुकदमा जीतने में तो 300 लाख करोड़ रुपए ब्याज सहित वापस लेंगे। अब ये जो पैसा वापस लेंगे हम, ये सोने के रूप में लेंगे, अंग्रेजों की करेंसी में नहीं लेंगे, स्टर्लिंग पाउंड में नहीं लेंगे, गोल्ड में नहीं, क्योंकि स्टर्लिंग पाउंड में लेने से देश को फायदा नहीं। क्यों? जैसे ही ये संपत्ति अंग्रेजों की हमारे यहाँ आएगी, उनका स्टर्लिंग पाउंड क्रैश हो जाएगा, बिल्कुल वो कागज का टुकड़ा रह जाएगा, तो उसमें नहीं गोल्ड में। और ये संपत्ति भारत में अगर सोने के रूप में हम जमा करें तो भारत के रुपए की कीमत बढ़ जाएगी, और हमारा भी 1 रुपया एक डॉलर के बराबर हो जाएगा। रुपया डॉलर बराबर हुआ तो जो निर्यात अभी हम कर रहे हैं विदेशों में, वो निर्यात से हमारी आमदनी 50 गुनी बढ़ जाएगी, और जो आयात कर रहे हैं विदेशों से उसका खर्चा 50 गुना घट जाएगा। आमदनी 50 गुनी बढ़ जाए, खर्चा 50 गुना घट जाए, तो आप जानते धन ही धन कैसे पैसे होंगे इस देश में। इतने पैसे होंगे कि हम भारत के एक एक गांव की सड़क को 10 मिलीमीटर मोटे सोने के पतले से बिछा दें, इतने पैसे। अमेरिका और चीन भी हमसे पीछे रह जाएगा, इतने आगे होंगे। और रुपया डॉलर अगर बराबर हुआ तो अमेरिका में रहने वाले जो भारतवासी हैं सब वापस आ जाए, क्योंकि वो अमेरिका गए ही इसलिए थे एक डॉलर 50 रुपए। जब डॉलर रुपए बराबर होगा वापस आ जाएंगे, 4 करोड़ भारतवासी वापस आएंगे, तो उनका जो प्रेम है, डिमांड है, वो देश के लिए आएगा। और फिर इस देश में प्रेम भी है, पैसे भी है, कभी इस बात की हम तो सारी दुनिया में सबसे आगे जाएं, भारत को सुखी बनाएं, समृद्धशाली बनाएं, गौरवशाली बनाएं, गौरवशाली बनाएं, विश्वगुरु बनाएं भारत को, ऐसा ही हमें आगे। आप इसमें मदद करें, और मदद करने के लिए मेंबर बने, मेंबर बनके दूसरों को प्रेरित करें और इस अभियान को तेजी से पूरा करें। आप सफल हो और आपका जीवन सार्थक। भगवान ने ये हमको आखिरी मौका दिया, मुझे कई बार भगवान भी जो है ना रोज मौका नहीं देता, कभी कभी मौका देता। एक बार हमें मौका मिला 1942 में, उसके पहले मौका मिला 1905, उसके पहले मौका मिला 1857, अब ये मौका मिला है 2014। तो इस मौके पर अगर हम चूक गए तो दुख ही दुख है, और अगर इस मौके का उपयोग हमने कर लिया तो भविष्य में सुख ही सुख है। और हर आदमी सुख चाहता है, हर आदमी सुखी होना चाहता है, सुख चाहता है, दुख की इच्छा किसी को नहीं। तो सुख चाहने वाले सारे भारतवासी इकट्ठे हों तो ये काम तो मिनटों में होने वाला, ज्यादा देर नहीं लगेगी, बस एक बार इकट्ठा होने की देर। तो आप सब इकट्ठे हों, हम सब इकट्ठे हों,
भगवान हमको साहस दे, हिम्मत दे, बुद्धि दे, शक्ति दे और हम इस मार्ग पर चलते हैं। हमने अपने लिए संकल्प लिया, इस काम को करने में खर्चा बहुत होने वाला, तो खर्चा कहाँ से है? एक तरफ प्रश्न लेना है तो पैसे देने को देना, वो रोज आते हैं और कहते हैं माता जी से बहुत 10 करोड़ रुपए नहीं देना चाहिए मुझे। मैं कहता हूँ क्यों देना चाहते हो 10 करोड़? कहते माता जी का आशीर्वाद चाहिए। मैं कहा भगवान से ले लो, माता जी से कम लेना। फिर कोई आता था 15 करोड़, कोई कहता 20 करोड़। हम सबको मना सकते हैं कि आपसे हमें 1 रुपया भी नहीं है, क्यों? आपका पैसा बेईमानी का, हम लेंगे तो हम भी बेईमान होंगे। इसलिए किसी भ्रष्ट आदमी से 10 करोड़ रुपए नहीं लेना, उससे ज्यादा अच्छा है भारत के 1 करोड़ लोगों से 10-10 रुपए लेना। तो हमने एक एक व्यक्ति से लेने का संकल्प किया, कोई 11 रुपए दे, कोई 51 रुपए दे, जो जितनी शक्ति रखता उतना दे। इसलिए ये फंड इकट्ठा करके लड़ाई को लड़ने में इस्तेमाल करेंगे और इसका पूरा हिसाब एक एक पाई देश के सामने रखेंगे। हमारी एक पत्रिका निकलती है जीवन संदेश, उसमें हर साल का खर्चा देखा जो हम प्रकाशित करेंगे, कहाँ से आया, कहाँ हमने खर्च किया। और मैं खुद ट्रस्ट में हूँ, परम पूजनीय स्वामी जी अध्यक्ष हैं, आचार्य बालकृष्ण जी उसके महामंत्री हैं, मैं इस ट्रस्ट का राष्ट्रीय सचिव हूँ। हमने आपस में तय किया है कि ट्रस्ट का एक पैसा भी हम अपने ऊपर खर्च नहीं करेंगे, एक पैसा। जो भी पैसे आए हैं वो सब इस काम के लिए खर्च है। तो ऐसा संकल्प लेकर इस अभियान में हम लगे। आप अगर आ जाएंगे जल्दी से अभियान पूरा हो जाएगा और मुझे उम्मीद है कि आप अकेले भी आएंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को साथ में लेते होंगे। और ये प्रश्न देश का है, किसी पार्टी का नहीं, किसी पक्ष का, देश का। आप पहले जीवन में किसी भी पार्टी से जुड़े हुए हों, किसी को भी वोट दिया हो, भविष्य में आपको देश के लिए काम कर सकते, क्योंकि पार्टी से देश बड़ा होता है, देश से छोटा सब होता है दुनिया, पार्टी देश से बड़ी नहीं होती। तो हमें पार्टियों के लिए नहीं लड़ना है, हमें देश के लिए लड़ना है। पार्टियों के लिए काम नहीं करना है, देश के लिए काम करना। तो यही निवेदन के साथ आपका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आपने इतने ध्यान से शांति से सुना, दूसरे लोगों को ये बातें अगर आप सुनाएंगे तो मैं और भी आभारी रहूंगा। फिर से निवेदन है कि आप मेंबर बन जाए, दूसरों को मेंबर बनने के लिए प्रेरित करें। मेंबरशिप का फॉर्म आप हमारे जो प्रभारी हैं उनसे ले लें, कम पड़ जाए तो फोटोकॉपी करा लें, फोटोकॉपी भी चलती है। और हमारी भारत स्वाभिमान की वेबसाइट है, उस पर भी मेंबरशिप का फॉर्म है, आप चाहें तो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं और वो फॉर्म भी स्वीकार कर सकते हैं। बहुत आभार। वेबसाइट भारत स्वाभिमान www.bharatswabhiman.org www.bharatswabhiman.org। तो वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो प्रभारी से। आपके लेक्चर भी हैं? हाँ, कुछ लेक्चर भी मिल जाएंगे। और अभी भारत स्वाभिमान की तरफ से मेरी 15 CD रिलीज होने वाली है इसी महीने, तो 15 CD में 3-3 घंटे के लेक्चर हैं अलग अलग विषय, किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, उद्योगपतियों के लिए, नौजवानों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, ऐसे अलग अलग। योग शिक्षक बनने के लिए प्रक्रिया है, एक फॉर्म भर दीजिए और हमारे यहाँ जो प्रशिक्षण शिविर होता है उसमें आ जाइए और वो प्रशिक्षण शिविर ले लीजिए, आप योग शिक्षक हो जाएंगे। शिविर